गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? अभी कल मैंने जीएस का जो फाउंडेशन बैच शुरू किया, उसमें आपने कुछ इंट्रोडक्टरी क्लास के माध्यम से जाना कि हम लोग जीएस में क्या क्या पढ़ेंगे। और इसमें जीएस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ज्योग्राफी, जिसके बारे में बात हुई। हालांकि ज्योग्राफी पर मैंने आपको कोई टॉपिक पढ़ाया नहीं, बहुत बेसिक चीजें आपको जो है शेयर की कि ज्योग्राफी का पूरा पाठ्यक्रम क्या होगा, उसका पूरा सिलेबस क्या होगा और उसका हमारा अपना पढ़ने का अप्रोच क्या होगा, इन्हीं संदर्भ में बात हुई थी। लेकिन आज से मैं प्रॉपर तरीके से आपके सिलेबस की शुरुआत कर रहा हूं। तो सबसे पहले सभी बच्चों को जो भी लाइव जुड़ चुके हैं या आगे जो है क्लास की कंटिन्यूटी में जुड़ते रहेंगे, उन सबको मेरा बहुत बहुत हार्दिक नमस्कार। और फिर मैं आज जीएस के इस फाउंडेशन बैच में जो आपका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ज्योग्राफी शुरू करने जा रहा हूं, उसमें मैंने पहले ही आपको बताया कि हम लोग वर्ल्ड के रीजनल ज्योग्राफी टॉपिक से शुरुआत कर रहे हैं। तो किसी भी तरह की फॉर्मेलिटीज से मैं बचते हुए सीधे टॉपिक पर अब आ रहा हूं। एक बार पुनः आप सभी का मैं अभिवादन करता हूं और आप सभी बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं जीएस विषय में जो ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं, उसमें मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि आप बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की चीजें पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी से, यानी विश्व के प्रादेशिक भूगोल से। विश्व के प्रादेशिक भूगोल या वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी की जब भी बात हो, तो फिर एक चीज समझिए, अभी कल की क्लास में भी मैंने एक बात आपसे कही थी, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाते समय मैं आपको ये चीजें और भी क्लियर कर दूंगा कि ज्योग्राफी की स्टडी जो होती है या भूगोल का जो अध्ययन होता है, इसके दो अप्रोचेज हैं, यानी इसके दो दृष्टिकोण हैं, या आप ये कह सकते हैं दो उपागम हैं। एक को कहा जाता है क्रमबद्ध भूगोल, सिस्टमैटिक तरीके से उसमें हम स्टडी करते हैं वर्ल्ड लेवल पर सारी चीजों का। फिर इसके बाद जो है एक होता है जिसे कहते हैं प्रादेशिक भूगोल यानी रीजनल ज्योग्राफी। तो प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत हम लोग संपूर्ण विश्व को यानी होल वर्ल्ड को अलग अलग रीजन में बांट करके स्टडी करते हैं। यहां पर जब भी प्रादेशिक भूगोल की बात होगी तो एक चीज बहुत स्पष्ट होनी चाहिए कि संपूर्ण विश्व को सात अलग अलग जो है महाद्वीपों में विभाजित किया गया है, सेवन कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया गया है और इन्हीं सात महाद्वीपों का अध्ययन हम लोग इस विषय के अंतर्गत करते हैं। तो यहां पर जो आप देख रहे हैं कि विश्व के प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन करेंगे, इसमें हम लोग सात महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया। तो आज हम लोग जिस महाद्वीप से शुरुआत करने जा रहे हैं वो है एशिया। एशिया इस संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत भी एशिया के अंतर्गत अवस्थित है। तो एशिया महाद्वीप का हम लोग अध्ययन करेंगे, लेकिन इसमें सबसे पहले आपको यह बता दूं कि आज हम लोग जिन विषयों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इसमें सबसे पहले मैं एशिया के सामान्य भौगोलिक परिचय से शुरुआत करूंगा। तो आपका जो पहला इसमें टॉपिक होगा वो होगा एशिया का सामान्य भौगोलिक परिचय। यानी जनरल ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ एशिया, एशिया के ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन पर बातें होंगी। इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने आएंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे और उनके बारे में जो समझने वाली चीजें हैं, जो कॉन्सेप्ट है वो मैं क्लियर करूंगा और जो तथ्यात्मक जानकारी होगी वो भी आपके सामने रखूंगा। तो आपको जो भी तथ्य बताए जाए, जो भी तथ्य यहां लिखे जाए, उसे आप नोट डाउन करेंगे क्योंकि फैक्ट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन इसके साथ साथ जहां कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट होगी वहां मैं उसको समझाने के बाद ही आगे बढ़ूंगा। तो मेरा अपना पढ़ाने का अप्रोच यही रहेगा कि जहां पर कंसेप्चुअल चीजें आ जाए वहां उसे क्लियर कर दिया जाए और फिर जो तथ्यात्मक जानकारी है वो बोर्ड पर आपके सामने हो, जिससे आप नोट डाउन भी कर सके। और मैंने पहले ही कहा कि आपको इसकी पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी। फिर इसके बाद हम लोग ग्लोब पर एशिया की अवस्थिति को समझेंगे। यानी लोकेशन ऑफ एशिया ऑन द ग्लोब। तो हम लोग ग्लोब पर एशिया की लोकेशन को समझेंगे और इसका मतलब क्या होता है कि यहां पर जो है आप
एशिया को अक्षांशीय दृष्टिकोण से यानी उसकी अक्षांशीय अवस्थिति क्या इसको समझेंगे, लैटिट्यूडनल उसकी पोजीशन क्या है, उसकी लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन क्या है। तो एशिया के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पर बेस्ड होकर किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इस पर मैं बात करूंगा। फिर इसी तरीके से एशिया के राजनैतिक प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ एशिया, यानी कुल मिलाकर के एशिया को पॉलिटिकली कौन कौन से रीजन में बांटा गया है या बांटा जा सकता है, तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। यानी एशिया राजनीतिक रूप से किन किन क्षेत्रों में बंटा हुआ, जैसे कई बार आप टर्म सुनते हैं मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया, या कई बार आप टर्म सुनते हैं साउथ एशिया दक्षिण एशिया, जैसे भारत देश जो है वो दक्षिण एशिया में अवस्थित है। तो इस तरह से एशिया के कौन कौन से राजनीतिक प्रदेश है, उनके कौन कौन से पॉलिटिकल डिवीजन है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो यहां पर आज हम लोग जिन टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे, देखिए एक बात मैं क्लियर कर दूं कि आप जिन सात महाद्वीपों का अध्ययन करने जा रहे हैं उसमें सबसे विस्तार से अगर मैं किसी टॉपिक पर आपसे डिस्कशन करूंगा तो वो एशिया ही होगा। उसका कारण क्या है कि पढ़ाते समय मुझे इस बात को भी ध्यान में रखना है कि एग्जाम ओरिएंटेड चीजें ही आपसे डिस्कस की जाए। मैं यहां पर कोई ऐसा नहीं है कि ज्ञान का भंडार लेकर आया हूं और वो उड़ेल दूंगा आपके सामने। मुझे इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप जिन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और उसी को ध्यान में रखते हुए, आपकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए आपको जो भी कंटेंट यहां दिया जाएगा बहुत एग्जाम ओरिएंटेड होगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नोट डाउन करते हुए चीजों को आगे बढ़ेंगे और इस तरह से कुल मिलाकर के हम लोग एशिया पर और भी फर्दर चीजें डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आज के डिस्कशन में तीन चीजें मैंने शामिल की, ऐसे मैं आज ही आपको बता रहा हूं कि कल की क्लास में एशिया पर ही फोकस करूंगा और एशिया के फिजिकल फीचर से लेकर के उसके क्लाइमेटोलॉजी, उसके ड्रेनेज सिस्टम, तरह तरह के विषयों को शामिल करके आपसे डिस्कशन करूंगा। तो मैंने इसीलिए इसको टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया कि कोई चीज छूटे नहीं और मैक्सिमम एरिया कवर कर लिया जाए, लेकिन साथ में एग्जाम ओरिएंटेड भी रहे। तो आप अपने अगर प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके प्रश्न पत्रों में उसके भौगोलिक परिचय पर भी कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उसकी अवस्थिति को लेकर भी आपसे प्रश्न पूछा गया है, और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि यहां पर जो है वो एशिया के कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रदेशों पर भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता। तो इन्हीं तीन खंडों पर आज बात होगी। फिर इसके साथ साथ यहां पर एक चीज और भी मैं क्लियर कर लूं कि जब हम लोग महाद्वीपीय भूगोल का अध्ययन करने ही जा रहे हैं तो क्यों ना कुछ ऐसे तथ्य हैं जो पृथ्वी के संदर्भ में बड़े महत्वपूर्ण हैं उनको भी देख लिया जाए, जिससे आपको बहुत सारी चीजें स्पष्ट तौर पर समझ में आ जाए। तो शुरुआत में सबसे पहले अर्थ के कुछ बेसिक फैक्ट्स कर रहा हूं, इसको आप कोशिश करेंगे कि नोट डाउन कर ले क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए सबसे पहली चीज आप समझिए कि जो हमारी पृथ्वी है, मैं अगर अर्थ की बात करूं तो भी पिछली भी क्लास में आपसे एक चर्चा हुई थी कि जो हमारी पृथ्वी है इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो जलीय निकाय है, यानी जलीय भाग है या वाटर बॉडीज है, और इसी तरीके से जो है इस पर स्थलीय भाग भी मौजूद है यानी लैंड पार्ट है। तो पृथ्वी पर जल और स्थल, वाटर और लैंड जो आपको मिलता है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि हम पृथ्वी के टोटल सरफेस को जान सकते हैं, यानी पृथ्वी की जो कुल सतह है इसके बारे में जान सकते हैं। तो जब हम अर्थ के टोटल सरफेस की बात करेंगे, पृथ्वी के कुल सतह की बात करेंगे, तो इसका एरिया आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि पृथ्वी की कुल सतह का क्षेत्रफल कितना, एरिया कितना। आपके प्रश्न पत्र में इस तरह की तथ्यात्मक जानकारी, इस तरह की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आ सकती है कि पृथ्वी की कुल सतह का क्षेत्रफल कितना है, टोटल सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इसके बारे में कई बार क्या होता है कि आप जो आंकड़े तैयार करके जाते हैं उसमें प्रश्न पत्रों में कई बार जो ऑप्शंस दिए जाते हैं उनमें वेरिएशन होता है। किस बात का वेरिएशन,
जैसे आप देखें, आप तैयार करके गए हैं कि पृथ्वी की कुल सतह का क्षेत्रफल कितना है, तो आपने याद कर लिया 51,72,000 वर्ग किलोमीटर। यह डाटा आपको क्लियर है, यह बिल्कुल फैक्ट आपको रटा हुआ है कि पृथ्वी की कुल सतह का क्षेत्रफल है 51,72,000 वर्ग किलोमीटर। लेकिन जो ऑप्शन दिया गया प्रश्न पत्र में, वो यहां पर पूरा आंकड़ा न दे करके यहां दे दिया गया मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में। अब मान लीजिए ऑप्शन में लिखा 51 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर या 5100 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, तो बहुत सारे बच्चों के मन में क्या होता है, यहीं पर कंफ्यूजन आना शुरू हो जाता है कि मुझे ये डेटा तो तैयार है, लेकिन अगर मैथमेटिकली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सब जानते हैं कि यहां पर 1 मिलियन का मतलब हुआ 10 लाख। तो इस संदर्भ में आप 51 करोड़ को अगर मिलियन में बदलेंगे तो अपने आप जो है आपको यह आंकड़ा निकलकर आएगा। यानी कुल मिलाकर के अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, आपके पेपर में अगर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में आंकड़ा दिया गया है तो आप यहां पर जो है 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कह सकते हैं कि हमारे पृथ्वी की कुल सतह का क्षेत्रफल है। तो अगर पूरा आंकड़ा वर्ग किलोमीटर में लिखा है तो 51,72,000 वर्ग किलोमीटर, ये याद कर लीजिए, बिल्कुल रटा होना चाहिए। और ये यहां पर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको समझाने की जरूरत है, आप इतना तो समझ ही रहे हैं कि मैं पृथ्वी के कुल सतह की बात कर रहा हूं, तो इसमें जलीय भाग और स्थलीय भाग दोनों को इंक्लूड कर रहा हूं, क्योंकि पृथ्वी पर कहीं ना कहीं जल और स्थल मौजूद है। अब इसके साथ साथ जब हम यहां पर 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना यहां पर मिलियन वर्ग मील की भी बात कर ले, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके पेपर में यह भी ऑप्शन आ जाए, यानी कि वर्ग मील में ऑप्शन दे दिया जाए। तो अगर वर्ग मील में दे दिया गया तो 197 मिलियन वर्ग मील हो जाएगा, यह बात आपको ध्यान रखनी। सॉरी, कुल मिलाकर यहां पर अगर आप ध्यान दें तो पृथ्वी की कुल सतह के क्षेत्रफल के बारे में जो आंकड़े मैंने आपके सामने लिखे हैं, उसको लिखने का जो तरीका अपनाया है वो 3 तरीके से आपके सामने रखा गया। तीनों में से कोई भी यहां पर ऑप्शन आ जाए तो यहां पर आप आंसर दे सके। तो पहला याद कर लीजिए, मैंने कितना बताया, तो इसे आप ध्यान रखिएगा 51,72,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, यह है पृथ्वी की कुल सतह का क्षेत्रफल। अब अगर मान लीजिए कि यहां पर मैंने कहा मिलियन स्क्वायर किलोमीटर दे दिया गया, तो यह आंकड़ा बदल कैसे जाएगा, तो आपको केवल 510 याद रखना। अगर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में ऑप्शन है तो 510, और अगर वर्ग किलोमीटर में आंकड़ा है तो 51 करोड़, याद रखिए, यहां पर आपको इसी के नियरेस्ट पॉसिबल आंसर उसमें मिल जाएगा। लेकिन मैंने क्या कहा, अगर वर्ग मील में दिया गया है, ठीक है, क्योंकि आप सब जानते हैं क्षेत्रफल हमेशा जो स्क्वायर में होता है, चाहे किलोमीटर लेंगे, चाहे मिलियन में डेटा देखें, चाहे वर्ग मील देखें, तो यहां पर कुल मिलाकर के आप पाएंगे कि जब वर्ग मील की हम बात करने लगेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 197। यानी वर्ग मील की बात करें, स्क्वायर माइल्स की बात करें, 197, अगर यहां पर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की बात करें तो 510, और अगर यहां पर स्क्वायर किलोमीटर की बात करें तो 51,72,000। तीनों आंकड़े आपको याद होने चाहिए, तो जैसा ऑप्शन पेपर में आएगा आप आंसर लगा सकेंगे। लेकिन एक चीज स्पष्ट रखिए कि पृथ्वी की कुल सतह का क्षेत्रफल कितना है, तो यह आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद पृथ्वी के 2 महत्वपूर्ण भाग हैं। जब हम पृथ्वी की सतह पर देखते हैं तो यह बात बहुत स्पष्ट है, यह कोई ऐसा नहीं कि मैं आपको अनोखी जानकारी दे रहा हूं, हर बच्चा यह बात जानता है कि हमारी पृथ्वी पर एक भाग स्थलीय, भाई हम लोग जमीन पर खड़े हैं तो हम लोग स्थलीय भाग पर है, ऐसे आप देखते हैं बहुत बड़ा जलीय निकाय है। और यह भी आप लोग बेसिक लेवल से यह सब पढ़ते आ रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि ज्योग्राफी आपके लिए कोई नया सब्जेक्ट है, देखिए रियलिटी तो यह है कि ज्योग्राफी आपने स्कूलिंग लेवल से भी पढ़ी, हर बच्चा जो यहां पर क्लास कर रहा है। हां, इसमें बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि भारती सर का बैच तबीयत कैसी है, तो कल मैंने आपको बता दिया था भारती सर ठीक हो चुके हैं, बहुत जल्दी आपके सामने वो भी लाइव बैच में होंगे। और एपी कैंपस जी कह रहे हैं कि सर बैच की फीस कम कर दो।
आप देखिएगा कैंपस जी, जो भी आपका नाम है, आप क्लास करके एक बार देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको पढ़ाने के लिए मैं कितनी मेहनत करके आ रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि आपको एनसीईआरटी, एनओएस या फिर जो है इग्नू से जो भी अच्छे मैटर है वो मिले और इस पर आप एक बेहतर तरीके से समझ भी बना सके और इसके साथ साथ अपनी तैयारी पर एक कॉन्फिडेंस भी मेंटेन कर सके कि अब सर ज्योग्राफी बहुत अच्छे से तैयार हो गई, पढ़ने से आपको मजा आए। तो ये पढ़ने के बाद आप असेसमेंट करिएगा, रियल में आपको 6 महीने जो पढ़ाने जा रहा हूं, अगर ट्यूशन फीस के हिसाब से आप देखें तो मंथली आप पर क्या बर्डन है। तो कुल मिलाकर के फीस एक फर्दर मैटर है, आपको डिस्काउंट मैंने बता ही दिया है, लेकिन मैं बार बार एक बच्चों आपसे गुजारिश करता हूं कि जब आप क्लास में आए तो टॉपिक पर अटेंटिव हो, फर्दर बातें ना करें। बाकी फर्दर बातों के लिए आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर है, उस पर आप बात कर सकते हैं, लेकिन जब भी क्लास में रहे तो आप कोशिश करिएगा कि टॉपिक पर फोकस रहे। नितिन बलियान जी, बिल्कुल आपको बायलिंगुअल ही पढ़ाऊंगा और साथ में यहां पर एक चीज आपसे प्रॉमिस किया है कि जो भी मैटर मैं हिंदी में दूंगा उसका इंग्लिश वर्जन भी पीडीएफ फाइल में दूंगा। तो आप सब इस पर कभी भी जो है डाउट मत करिएगा, आपको इंग्लिश और हिंदी में बराबर आप कंफर्टेबल रहेंगे, मीडियम आपके लिए कभी भी मेरी क्लास में प्रॉब्लम नहीं बनेगी। जहां तक ऑफलाइन क्लासेस के बारे में बच्चे पूछ रहे हैं, उसके बारे में अभी कुछ भी कर पाना बच्चों बहुत मुश्किल है। उम्मीद तो मैं बहुत दिनों से कर रहा था कि नए साल तक आते आते ऑफलाइन बैचेस शुरू हो जाएंगे और अभी भी वही उम्मीद है, लेकिन जहां तक एक अंदर से अपना जो है वो परसेप्शन बन रहा है वो ये कि मार्च से पहले मैं बहुत कम उम्मीद कर रहा हूं। मार्च तक आप मान सकते हैं कि फिर से ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट होंगे। चलिए फिर से टॉपिक पर आते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि आप सब जानते हैं, देखिए मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं कि ज्योग्राफी आपके लिए कोई नया विषय नहीं, आपने पहले भी पढ़ा, ठीक है। उसका कारण मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि स्कूलिंग लेवल पर आप लोगों ने एक विषय पढ़ा होगा एसएसटी या सोशल साइंस जिसे आप कहते थे। आप लोग क्लास 6 में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, हर जगह, मतलब 10th के बाद अगर आपने मान लीजिए आर्ट्स के सब्जेक्ट छोड़ दिए, साइंस के आप स्टूडेंट हो गए, पीसीएम ग्रुप से स्टडी करने लगे या बायोलॉजी आपने रख लिया, तब भी कम से कम 10th स्टैंडर्ड तक आपने जो है वो एसएसटी जरूर पढ़ा। ये बात अलग है कि स्कूलिंग लेवल पर अगर हम लोग पढ़ाई में इतने अटेंटिव होते, सीरियस होते, तो शायद ये सब जानकारी आज आपसे शेयर नहीं करनी पड़ती। क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं, मैं कोई ब्रह्म ज्ञान लेकर नहीं आया हूं, मैं भी एनसीईआरटी की किताबों से ही, एनओएस की किताबों से ही, और वो भी क्लास 6 से 10th स्टैंडर्ड की चीजें इकट्ठी करके आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। तो स्कूलिंग में हमने बहुत अच्छी मेहनत नहीं की थी, इसलिए यहां पर फिर से उन्हीं सारी चीजों पर वर्क करना पड़ रहा, क्योंकि आज कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप देखें ये सारी चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण पूर्ण है और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में फंडामेंटल चीजें ही ज्यादातर पूछी जाती हैं, फंडामेंटल चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए। तो ये बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है कि हमारे पृथ्वी के दो महत्वपूर्ण भाग हैं, एक को स्थलीय भाग आप कह सकते हैं, लैंड मासेस है यहां पर, और इसके साथ साथ वाटर बॉडीज है, जलीय भाग है। फिर अगर हम मान लीजिए इसमें रेशियो की बात करें तो ये आंकड़े मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चे जानते हैं, ये कोई नई चीज मैं आपको नहीं बता रहा हूं। मतलब ये हुआ कि अगर लैंड मासेस की बात की जाए तो पृथ्वी का कितना हिस्सा लैंड मासेस से सराउंडिंग है, तो आप कहेंगे सर 29.2%, इसको आप लगभग 29% भी बोल सकते हैं, 0.2 में है, क्योंकि आप तो आप ऐसा कह सकते हैं कि पृथ्वी के जो है कुल सतह पर लगभग 29% भाग जो है वो लैंड मास है या लैंड सरफेस है। तो स्थलीय भाग या लैंड सरफेस की हम बात करेंगे 29%, ये बिल्कुल क्लियर है आप सबको। और इसी तरीके से अगर हम वाटर सरफेस की बात करें तो यह लगभग 71% आप कह सकते हैं, क्योंकि आप एग्जैक्ट फिगर यहां देख रहे हैं 70.8% लिखा हुआ। लेकिन ये जो आंकड़े मैंने आपके सामने लिखे ये आपके लिए थोड़े से नए हो सकते हैं, तो हो सकता है कि परसेंटेज में ना पूछकर सीधे सीधे आपसे डेटा पर बेस्ड होकर प्रश्न पूछ ले। तो कम से कम यहां पर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और स्क्वायर किलोमीटर में दो तथ्य जरूर याद कर ले, क्योंकि दोनों याद करना बहुत आसान, अगर वर्ग किलोमीटर भी याद है तो उसी से आप मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमारा जो लैंड सरफेस है, स्थलीय भाग है, स्थल का जो हिस्सा है वो आप देख रहे हैं यहां पर है 14,89,40,000 वर्ग किलोमीटर। तो अगर आप चाहें इसको शॉर्ट में इस तरह से भी आप कर सकते हैं, 14.89 करोड़, यानी ये फिगर आपको जो है वो पता होना चाहिए, बस इतना ही।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जैक्ट एक एक जो है इसमें है, आपको याद रहे कि इसमें कोई डिजिट गड़बड़ाया नहीं, लेकिन इतना कम से कम आप याद कर ले कि जो स्थलीय भाग है, जो लैंड सरफेस है अर्थ का, वो है 14.89 करोड़, यानी 14,89,40,000 वर्ग किलोमीटर ये पृथ्वी का स्थलीय भाग हो गया, लैंड मासेस हो गया इतना। और इसके साथ साथ अगर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में इसी को कन्वर्ट कर ले तो आपको सिर्फ याद रखना 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी इस तरीके से यह पृथ्वी का स्थलीय भाग हुआ, जिसको आप 29% कह सकते हैं और एग्जैक्ट फिगर यह है। तो उम्मीद करता हूं आपने नोट डाउन कर लिया होगा और यह तथ्य आप याद रखेंगे। यानी फिर एक बार नोटिस करें, जब हम टोटल की बात कर रहे थे तो मैंने कहा था लगभग कितना याद कर लीजिएगा, 51 करोड़, इतना याद होना चाहिए। 72,000 याद है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 51 करोड़। अब उस 51 करोड़ में भी अगर लैंड मासेस की बात की जाए, लैंड सरफेस की, तो आप कहेंगे लगभग 15 करोड़ के आसपास आपको एक फिगर मिल रहा है। 14,89,000 जो है यहां पर, 14,89,00,000 वर्ग किलोमीटर यहां पर ये स्थलीय भाग है और 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हो गया। यानी फिर वही बात, अगर हम टोटल में देखें तो 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में आप स्थलीय भाग को देख पा रहे हैं कि कितना मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, 148। और इस दृष्टिकोण से आपने कहा कि लगभग 29% वो लैंड मासेस है। फिर आगे अगर हम यहां पर जलीय भाग की अब बात करें तो परसेंटेज में आप सब जानते हैं, आपने बेसिक लेवल पर ये चीजें तैयार की होंगी कि लगभग 71% मैंने कहा याद कर लीजिए जलीय निकाय है, वाटर बॉडीज है, वाटर सरफेस है। और इसमें जो है जब मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की बात करेंगे तो ये 361 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, या आप कह सकते हैं 36,11,32,000 वर्ग किलोमीटर। यानी यहां पर अगर देखा जाए तो आप इसमें फिगर इस तरह से याद कर सकते हैं 36.11 करोड़ वर्ग किलोमीटर। तो इस तरीके से स्थलीय भाग इतना हो गया 14,89,00,000 और जलीय भाग अगर देखा जाए तो 36,11,00,000 जो है ये जलीय भाग हो गया। और कुल मिलाकर के इस तरह से हमारी पृथ्वी का लगभग 29% भाग जो है वो स्थलीय है और 71% भाग जो है वो जलीय है। तो 70.8% ऑफ द टोटल सरफेस ये हो गया वाटर एंड 29.2% ऑफ द टोटल सरफेस इज लैंड मासेस। क्लियर हो गया ये दोनों तथ्य, उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आ रहा है और यहां पर किस तरह से प्रश्न पत्र में पूछा जा सकता है ये भी साथ में क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। फिर यहां पर आप अब ध्यान दीजिएगा कि जो पृथ्वी का, देखिए एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर हम मान लीजिए कि पाई चार्ट के माध्यम से देखना चाहें पृथ्वी को, उसके शेयर को, तो आप ये कह सकते हैं कि लगभग जो है वो इतना हिस्सा वो लैंड का है, स्थलीय है, और बाकी एक बड़ा पोर्शन जो है वो वाटर का। तो पाई चार्ट के रूप में भी आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। किसी भी तरीके से बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप सबको रेशियो क्लियर हो, 1/3 पोर्शन लैंड का और 2/3 पोर्शन आप देख रहे हैं वाटर बॉडीज का है, जलीय भाग ज्यादा है और जो स्थलीय भाग है वो बहुत कम है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहां पर भौगोलिक दृष्टिकोण से एक बात जरूर सोचिएगा कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है बच्चों की, हमारी पृथ्वी पर 2/3 भाग पानी है और फिर भी हम कहते हैं कि पानी ही जो है हमारे पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा संकट बनने जा रहा है, यानी जल का अभाव होने जा रहा है और पानी आने वाले समय में हमारे लिए एक बहुत ही जो है कह सकते हैं कीमती संसाधन हो जाएगा और जल को लेकर के कई तरह के संकट पैदा हो रहे। तो इसका कारण क्या है जरा सोचिएगा। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे बच्चे इसका उत्तर जानते होंगे, लेकिन मैंने क्या कहा, 2/3 भाग पानी है, 1/3 भाग स्थलीय है, फिर भी जल ही हमारे आने वाले समय का एक सबसे बड़े जो है संकट बनने जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें यहां पर तो जो पृथ्वी का संपूर्ण स्थलीय भाग है, जो लैंड मासेस है, वो 7 मैसिव लैंड मासेस में डिवाइडेड है। यानी जितना भी लैंड पोर्शन आप देखते हैं पृथ्वी पर, जितना भी आप यहां पर जो स्थलीय भाग देखते हैं, वो ऐसा नहीं है कि सब एक साथ है।
आज के करोड़ों साल पहले ऐसा जरूर था कि ये जो मैं सेवन लैंड ब्लॉक्स की बात करने जा रहा हूं, ये सब एक ही था, टुगेदर ज्वाइन था। जब मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, खासकर आप एक टॉपिक पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, बहुत बेसिक उस पर कुछ चीजें आपको बताऊंगा। तो वैगनर महोदय ने यह कहा था कि जो आज के हमारे सात आप देखते हैं लैंड ब्लॉक्स हैं, ये टुगेदर ज्वाइन थे, एक में जुड़े हुए थे, एक ही मैसिव लैंड मास था, और इस विशाल जो है सुपर कॉन्टिनेंट को उन्होंने नाम दिया था पैंजिया। तो आज के करोड़ों वर्ष पहले की बात है कि पैंजिया नाम से एक मैसिव लैंड मास हमारे अर्थ पर मौजूद था और उसके सराउंडिंग में चारों तरफ एक विशाल जलीय निकाय था और उस जो है सुपर आप कह सकते हैं वाटर बॉडी को उन्होंने नाम दिया था पैंथालसा। तो पैंथालसा और पैंजिया क्या है, यह कैसे टूटा, कैसे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ, यह हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में वैगनर महोदय का एक सिद्धांत है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, उस पर बात करेंगे। यहां हम महाद्वीपों का अध्ययन करने जा रहे हैं और हमारे पृथ्वी पर स्थल का जो वर्तमान स्वरूप है वो आप पाएंगे सेवन मैसिव लैंड मासेस में डिवाइडेड आपको मिलेगा। अगर आप इमेज के रूप में इसे देखना चाहें तो आप देख भी सकते हैं कि ये हमारे पृथ्वी की एक इमेज आपके सामने रखी गई है और अर्थ को जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो नीले कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये वाटर पोर्शन है, वाटर सरफेस है। तो आप खुद महसूस कर पा रहे होंगे इसको देखकर कि जलीय भाग पृथ्वी पर बहुत ज्यादा है, यही कारण है कि पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग जो है आगे भी फिजिकल ज्योग्राफी में भी कुछ चीजें इससे रिलेट करके समझेंगे, लेकिन यहां पर जो हमारा उद्देश्य है वो ये समझना है कि जो हमारी पृथ्वी का स्थलीय भाग है, जो लैंड पोर्शन है, लैंड मासेस है, वो सेवन ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। अब इसमें सेवन कैसे काउंट किया जाए, तो अगर आप देखें जो ये लैंड मास आपको दिखाई दे रहा है, ये स्थलीय भाग है, ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं, तो इसको अगर आप मान लीजिए यहां पर जो है वो नंबरिंग करें तो हां अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं तो यह कह सकता हूं कि आपका पहला लैंड मास हो गया। इसी तरीके से अगर देखा जाए मैं यहां पर नंबरिंग करूं तो यह कह सकता है दूसरा लैंड मास हो गया, यानी एक पोर्शन यह है और एक पोर्शन यह है। हालांकि आप इसमें यहां पर एक चीज और देखिएगा, ये जो लैंड मास है ये यहां तक फैला हुआ दिखाई देता, लेकिन इसमें जो है एक यहां पर नेचुरल बॉर्डर मिलेगा जो इसको सेपरेट भी करता है, जैसे यूराल पर्वत, इस सब की बात मैं आगे करने जा रहा हूं। तो ये जो लैंड मास है ये अलग पोर्शन है और इसी कारण से इसे आप तीसरे नंबर पर रख लीजिए, यानी ये जो यहां पर आपको दिख रहा है इसको तीन लैंड ब्लॉक्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। और हालांकि ये जो तीसरा लैंड मास है ये पहले के साथ आप देख रहे हैं कनेक्टेड दिख रहा है, जुड़ा हुआ, और यही कारण इस पूरे क्षेत्र को जो है, वैसे तो इस तीसरे को हम कहते हैं यूरोप और इस पहले वाले भाग को हम कहते हैं एशिया, लेकिन चूंकि ये कनेक्टेड है, एक ही लैंड मास से ये डिवाइड हुआ है, एक ही लैंड मास का ये पोर्शन है, तो इसलिए यहां पर आप ध्यान रखिए इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं क्योंकि कनेक्टेड दिख रहा है तो इसी को हम यूरेशिया कहते हैं। तो यूरेशिया कहने का कारण यह है कि यूरोप और जो यहां पर एशिया महाद्वीप है इसका एक लैंड पार्ट जो है वो आपस में जुड़ा हुआ है। फिर इस तरह से हमने तीन लैंड ब्लॉक्स यहां देख लिए, चौथा आप यहां ले सकते हैं ये जिसे हम नॉर्थ अमेरिका के नाम से जानते हैं, पांचवा हम यहां ले सकते हैं जिसे हम साउथ अमेरिका के नाम से जानते हैं। तो कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं ये लैंड मासेस अलग अलग है और यहां पर जो ओशियन पार्ट है या वाटर बॉडीज है वो इसे सेपरेट कर रही है। फिर इसके साथ साथ यहां पर हम जो है इस लैंड ब्लॉक्स को भी ले लें तो ये छह नंबर हो गया, यानी इस तरह से आपको छह बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा। फिर नीचे आप ध्यान दीजिएगा ये जो आपको व्हाइट कलर की जो पट्टी दिख रही है, जो व्हाइट स्ट्रिप दिख रही है, ये पूरी बर्फ की एक चादर है इसलिए सफेद रंग में आपको दिख रही है, ये लैंड सरफेस ही है, लेकिन लैंड सरफेस ये पूरी तरह से आप कह सकते हैं आइस कवर्ड है, स्नो कवर्ड है, बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए इस रूप में दिखाई दे रहा। तो इस लैंड मास को आप जो है वो सातवें नंबर पर रख सकते हैं। तो मैंने कहा था कि जो हमारी पृथ्वी पर वर्तमान में जो लैंड मासेस है वो सेवन मैसिव ब्लॉक्स में डिवाइडेड है और इन्हीं सारे जो है सातों खंड को अगर देखा जाए तो हम महाद्वीप कहते हैं। अच्छा, इसे महाद्वीप कहने की भी एक वजह है, जियोग्राफिकली अगर आप लैंड फीचर्स के बारे में देखें तो आप यह पाएंगे कि
जियोग्राफिकली होता क्या है कि अगर कोई मान लीजिए लैंड ब्लॉक्स है और इसके चारों ओर वाटर बॉडी इसे सराउंड किए हुए, तो इस तरह के लैंड ब्लॉक्स को हम क्या कहते हैं? आइलैंड, यानी इसे हम कहते हैं द्वीप। तो द्वीप या जियोग्राफी में एक लैंड फीचर्स आप पढ़ते हैं, एक भू आकृति के बारे में पढ़ते हैं। द्वीप जैसे अंडमान निकोबार इंडिया का एक बड़ा मेजर आइलैंड ग्रुप है, ऐसे लक्षद्वीप के बारे में आपने सुना है, इंडिया का एक बड़ा ही प्रमुख द्वीप समूह है। तो ये जो द्वीप होते हैं इनकी भौगोलिक विशेषता क्या है, इनके जियोग्राफिकल फीचर्स क्या है। द्वीप का मतलब ही होता है एक ऐसा लैंड मास, एक ऐसा स्थलखंड जो चारों तरफ वाटर बॉडी से घिरा हुआ, ये आइलैंड की एक जनरल डेफिनेशन है। तो अगर मान लीजिए कि यही लैंड मास बहुत ह्यूज हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए, द्वीप तो छोटे छोटे टापू की तरह है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई बहुत ह्यूज लैंड मास है और चारों तरफ वाटर बॉडी से सराउंडेड है, तो आप यह कह सकते हैं द्वीप ना होकर इसमें आपने महाशब्द लगा दिया, यानी यह महाद्वीप हो गया। तो इस तरह से हमारे पृथ्वी पर जितने भी महाद्वीप आपको दिखेंगे वो ज्यादातर आप पाएंगे वाटर बॉडी से सराउंडेड है। जैसे नोटिस करिएगा, फिर एक बार आपको दिखा रहा हूं कि मान लीजिए मैं ये फिफ्थ ब्लॉक की बात करूं, जैसे हम साउथ अमेरिका कहते हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि इसके इस साइड में भी वाटर बॉडी है, इसके इस साइड में भी वाटर बॉडी है, यानी लगभग चारों तरफ से इसे जलीय निकाय ने घेर रखा। तो ये मैसिव लैंड मास है और इसी कारण से इसे महाद्वीप कहा गया। आप नॉर्थ अमेरिका को ही ले लें, उत्तरीय भाग जो देख रहे हैं बर्फ की चादर है, यह भी एक महासागरीय भाग है, आर्कटिक ओशियन। और ये अगर सागरीय भाग हम ले लें तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से चारों तरफ लगभग सागरीय भाग से घिरा, यानी ओशियन पार्ट से सराउंडेड है, और इस कारण से इसे भी हम जो है वो मैसिव लैंड मास होने के कारण कह रहे हैं महाद्वीप। तो किसी भी महाद्वीप को आप देखते हैं तो आप पाते हैं कि लगभग इसे ओशियन ने चारों तरफ से कहीं ना कहीं घेर रखा। जैसे यूरेशिया की बात करें तो यूरेशिया के नॉर्थ में आप देख रहे हैं आर्कटिक ओशियन का पोर्शन आ जाता है, ऐसे ही साउथ में और ईस्ट में इसके भी आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं वाटर बॉडी ने इसे सराउंड कर रखा। तो यही सब कारण है जिसके कारण इन सेवन मैसिव लैंड मासेस को हम महाद्वीप कहते हैं। तो पृथ्वी पर ये जो सात यहां स्थित है इन्हीं को महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। बच्चों इतना समझाने के बाद अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे आप महाद्वीप की डेफिनेशन बताइए, यानी महाद्वीप किसे कहते हैं, तो इसमें टर्मोलॉजी बहुत क्लियर रखिएगा कि जो हमारा टोटल लैंड मास है अर्थ का वो डिवाइडेड है इनटू सेवन मैसिव लैंड मासेस, इन्हीं को कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो ये टर्म चाहे आप लिख भी सकते हैं, द टोटल लैंड मास ऑफ अर्थ इज डिवाइडेड इंटू सेवन मैसिव लैंड मासेज कॉल्ड कॉन्टिनेंट, यानी जो हमारे पृथ्वी का संपूर्ण स्थलीय भाग है, यहां हम संपूर्ण की बात कर रहे हैं, वो सात विशाल भूखंडों में विभाजित है। और ये जो भूखंड है ये ज्यादातर जलीय निकाय से घिरे हुए हैं और इन्हीं को महाद्वीप की संज्ञा दी जाती। तो महाद्वीप को एक जनरल डेफिनेशन लेमैन की तरह डिफाइन करना चाहे तो ये कह सकते हैं। अब ये जो विश्व के सात महाद्वीप हैं इन्हीं को अगर हम साइज के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में देखें, यानी क्षेत्रफल के अनुसार इनको जो है एक क्रम में लगाएं, तो बड़े से छोटे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको यहां पर स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा कि ये सात महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार किस क्रम में है। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप, फिर दूसरे स्थान पर एरिया में अफ्रीका, तीसरे स्थान पर नॉर्थ अमेरिका, चौथे स्थान पर दक्षिण अमेरिका, पांचवें स्थान पर अंटार्कटिका, छठे स्थान पर यूरोप और सातवें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया। यानी अब यह बात आपको क्लियर हो रही है यहां से कि आप कह सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया। ठीक है, और सबसे बड़े से ही हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। फिर इसके साथ अगर पूछा जाए सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो यहां पर आंसर हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो कुल मिलाकर के कम से कम एरिया वाइज जो इनका सीक्वेंस है ये आप सभी को याद रखना है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और कुल मिलाकर के आप यहां पर क्रम लगाने को आ जाए तो एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये चार जो है बड़े महाद्वीप हो गए। और अगर नीचे से ऊपर की ओर यानी छोटे से बड़े की ओर क्रम लगाने को आ जाए तो सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, फिर यूरोप, फिर अंटार्कटिका और फिर दक्षिण अमेरिका। तो कभी कभी असेंडिंग ऑर्डर में पूछ लिया जाता है एग्जाम में,
कभी डिसेंडिंग ऑर्डर में आप दोनों के लिए तैयार रहे, आपको सात के सातों का क्रम याद होना चाहिए और इस तरह से महाद्वीप जो है वो कौन कौन से हैं ये अब आपको स्पष्ट है। एक बार थोड़ा सा इसको हम फिर से इमेज में देख लें, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें अगर आप नोटिस करें तो आप पाएंगे कि जो ये क्षेत्र है वो यूरोप का है, ये वाला पोर्शन। इसके साथ साथ ये जो रेड कलर में आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा एशिया का क्षेत्र है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पर एशिया हो गया और फिर इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये कलर, ये बेसिकली दूसरा बड़ा महाद्वीप है जो है अफ्रीका, और फिर इसके बाद मैंने बताया तीसरे स्थान पर जो है वो उत्तर अमेरिका है जो यहां पर है, और जो चौथे स्थान पर है वो दक्षिण अमेरिका है जो यहां पर है। तो आप यहां पर मैप के माध्यम से, अब आपको मैंने जो हिदायत दी थी कि आपने ऑक्सफोर्ड का एटलस ले लिया होगा, आप सब एटलस रख करके क्लास कर रहे होंगे, तो आप अपना एटलस खोलिएगा और उसमें देखिएगा ये इमेज बनी हुई है जिसमें सातों महाद्वीप के बारे में आपको जानकारी दी गई। तो यहां पर ये एशिया का क्षेत्र हो गया, ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली ये यूरोप का क्षेत्र हो गया, और इसके साथ साथ जो है वो अफ्रीका का क्षेत्र ये है, और ये उत्तर अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, ये चार बड़े महाद्वीप हो गए। अब पांचवें स्थान पर अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा था कि पांचवें स्थान पर है अंटार्कटिका, और फिर छठे स्थान पर अगर हम बात करें तो छठे स्थान पर है यूरोप, और सातवें स्थान पर यानी सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। तो लोकेशन वाइज भी आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। ये हो गया ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र, ये जो यहां पर द्वीपीय क्षेत्र है इस सबको मिलाकर ही इसे ओशेनिया भी कहा जाता है, यानी ऑस्ट्रेलिया की जगह पर हो सकता है कि ऑप्शन में जो है वो ओशेनिया करके भी दे दें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ओशेनिया, ये जो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में बिखरे हुए द्वीप आप देख रहे हैं, ये सब जब हम लोग महाद्वीपों पर पहुंचेंगे और डिटेल में मैं आपको इमेज दिखाऊंगा, और इस तरीके से कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ओशेनिया यानी ऑस्ट्रेलिया, और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप का क्षेत्र ये जो रेड कलर का पोर्शन आप देख रहे हैं, पूरा ये क्षेत्र यानी आप कह सकते हैं एशिया का जो आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर ये विश्व के सात महाद्वीप हैं जिनका आप अध्ययन करेंगे। अब शुरुआत हम लोग इसमें एशिया से करने जा रहे हैं। अमन यहां फुल कैसे होगा, ये कॉर्नर वाला, चलिए अब एशिया से हम लोग शुरुआत करते हैं। और आज जैसा कि मैंने आपसे क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं एशिया में सामान्य भौगोलिक परिचय से शुरुआत करूंगा, आज हम लोग तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने जा रहे हैं। एक एशिया का सामान्य भौगोलिक परिचय, एक दूसरा आपसे कहा कि एशिया की अवस्थिति ग्लोब पर उसकी क्या लोकेशन है, क्या पोजीशन है, और तीसरा जो एशिया का राजनीतिक विभाजन देखते हैं इसके बारे में। ये तीन महत्वपूर्ण खंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जितनी बातें बताई गई होंगी वो सब आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार प्रश्नों के रूप में फिर से सुन लें, जैसे पहला प्रश्न जो अभी तक पढ़ा है उस पर बन सकता है कि हमारी पृथ्वी का जो संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल है यानी द एरिया ऑफ टोटल सरफेस ऑफ द अर्थ, तो जब पृथ्वी के सतह का क्षेत्रफल पूछा जाए, सरफेस एरिया अर्थ का पूछा जाए, तो मैंने कहा था अगर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में आपको आंसर देना होगा तो आप कितना बोलेंगे वो याद कर लीजिए। अगर आपको केवल स्क्वायर किलोमीटर में आंसर देना होगा, वर्ग किलोमीटर की बात करेंगे तो क्या आंसर लगाएंगे वो आप याद कर लीजिए, और अगर वर्ग मील में बात करने लगे तो क्या आंसर लगाएंगे ये याद कर लीजिए। यानी तीन प्रश्न यहां तैयार हो जाने चाहिए। पृथ्वी की कुल सतह का जो है क्षेत्रफल कितना है? अब पृथ्वी की सतह के क्षेत्रफल सरफेस एरिया की जब बात करें तो ऑप्शन अगर वर्ग मील में है तो क्या होगा आंसर, और अगर वर्ग किलोमीटर में तो आंसर क्या होगा, और अगर मान लीजिए कि मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में ऑप्शन है तो आंसर क्या होगा, ये तीनों उम्मीद करता आपको याद हो गया होगा। फिर
पृथ्वी का जो सरफेस है उसका कितना पोर्शन लैंड है, कितना पोर्शन जो है वाटर है, ये अगर रेशियो में पूछा जाए तो आंसर लगा सकते हैं कि कौन सा पोर्शन 1/3 है, कौन सा 2/3 है। फिर अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो भी मतलब वही हुआ, रेशियो से ही आपको पता चल गया कि एक 29% के आसपास है, एक तिहाई है, और एक 71% के आसपास है। फिर इसके बाद अगर मान लीजिए यहां पर जो है वो लैंड और वाटर का एरिया पूछ लिया गया तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ध्यान दीजिएगा यहां पर, इसीलिए मैंने आपको क्लियर किया था कि ये आंकड़े आपके बहुत महत्वपूर्ण है। यानी रेशियो तो क्लियर है, परसेंटेज तो क्लियर है, लेकिन जब स्थल का यानी लैंड मास का एरिया पूछने लगेगा तो लैंड सरफेस इतना है और वाटर सरफेस पूछने लगेगा तो इतना है, ये दो भी आपको याद रखना, कम से कम मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में। आगे बढ़ते हैं आप। फिर इसके बाद अगला प्रश्न आपसे यह पूछा जा सकता है कि महाद्वीप की संज्ञा किस स्थलीय भाग को दी जाती है, महाद्वीपों की विशेषता क्या है। तो इस पर एक ज्योग्राफिकल फीचर्स बहुत बेसिक बात बताई कि जो मैसिव लैंड मासेस हमारे अर्थ पर मौजूद है वाटर बॉडी से सराउंडिंग, उन्हें कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। और यही कारण है कि आप देखिए जब ये सारे लैंड मास एक थे तो इसे सुपर कॉन्टिनेंट कहा गया, और सुपर कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीपों से भी बड़ा। जैसे एक तरीके से आप देखते हैं कि बाबा वगैरह होते, एक मंडलेश्वर होते, एक महामंडलेश्वर हो जाते हैं और एक महामहामंडलेश्वर हो जाते हैं, तो लगभग वही स्थिति यहां भी है कि आप पाएंगे कि मंडलेश्वर नहीं महामंडलेश्वर की बात हो रही है और महामंडलेश्वर से भी बड़े क्षेत्र की बात हो रही है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो जो 7 मैसिव लैंड मास है उसी को कॉन्टिनेंट कहते हैं। अब आपसे पूछा जाए अगर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप, विश्व के 4 महाद्वीपों का जो 4 बड़े महाद्वीप है उनका डिसेंडिंग ऑर्डर बताइए, अगर विश्व के 4 छोटे महाद्वीपों का असेंडिंग ऑर्डर पूछा जाए तो सबसे छोटे से बड़े की ओर ऑर्डर आप बता सकते हैं। ये सारे प्रश्न आपके तैयार है, इसका उत्तर आप दे सकते हैं। अब हम लोग पहला जो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया से शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एशिया का सामान्य भौगोलिक परिचय। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि 7 महाद्वीप में मैं ये मानकर चलता हूं कि आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें सबसे ज्यादा संभावना एशिया पर होती। तो एशिया को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब एशिया के सामान्य भौगोलिक परिचय की अगर हम बात करें तो जब मैं ये टर्म यूज करता हूं कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, तो ये दोनों टर्म में कहा जा सकता है। यानी दो विशेष बातें ध्यान देनी होती हैं, या तो हम क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बात करते हैं यानी एरिया में बड़ा, जैसे भारत का सबसे बड़ा राज्य आपसे अगर पूछा जाए तो इसका मतलब एरिया में पूछा जा रहा। लेकिन एक दूसरा प्रश्न भी बन सकता है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन यानी आबादी के दृष्टिकोण से, तो आप देखते हैं कि भारत में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान हो गया, लेकिन अगर मान लीजिए आबादी में देखते हैं तो उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक वही चीज यहां भी आपसे प्रश्न बन सकता है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो यहां पर चाहे क्षेत्रफल पूछे और चाहे जनसंख्या पूछे, दोनों दृष्टिकोण से यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। लेकिन ना केवल आप एक तथ्य यह रट लें कि यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एरिया और पॉपुलेशन में, बल्कि इस पर कुछ आंकड़े जो आपके सामने हैं यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इन आंकड़ों पर प्रश्न आने की संभावना हो जाती। इसलिए फिर एक बार ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां पर एशिया के क्षेत्रफल की बात करें, मैं सारे आंकड़े आपके सामने रख दे रहा हूं और फिर इसी को बता दे रहा हूं कि इसमें क्या क्या आपको ध्यान देना है। तो अगर आप यहां पर ध्यान देंगे तो क्या देखेंगे, लिखा है कि जो एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल है वो लगभग लगभग कितना है, तो आप देखिए 44.58 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यानी आप यहां पर पा रहे हैं कि जो एशिया का क्षेत्रफल है वो लगभग लगभग अगर देखा जाए तो 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर है। फिर से ध्यान से सुनिए, 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर। अगर ये पूरा आंकड़ा हमें नहीं याद हो सकता तो कम से कम इतना तो मैं जरूर याद कर लूंगा कि एशिया का क्षेत्रफल वो 4.45 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर है।
यानी 4.45 करोड़ वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर ये एशिया का क्षेत्रफल है अगर पूरे आंकड़े आ जाए। लेकिन अगर मान लीजिए ऑप्शन में मिलियन स्क्वायर किलोमीटर दे दिया गया, क्योंकि किसी किसी एग्जाम में क्या करते हैं कि बच्चों का कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए वो जो रट कर गए हैं वर्ग किलोमीटर वो ना देकर डेटा बदल दिया, तो वही वाली बात हो गई कि जैसे आप देखते हैं मीटर को सेंटीमीटर में बदला जा सकता है, ऐसे ही आप यहां पर वर्ग किलोमीटर को मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की बात करने लगेंगे तो आंसर आपको क्या लगाना होगा, 44.58 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये एशिया का क्षेत्रफल है। और इस तरह से अगर आपको मान लीजिए और कंफ्यूज करने के लिए वर्ग मील में ऑप्शन दे दें तो यहां पर आपको जो है ये आंकड़ा याद करना होगा, यानी आप सीधा सीधा वर्ग मील में यहां देख पा रहे होंगे क्या लिखा है, 1,72,12,000 वर्ग मील। यानी पूरा आंकड़ा नहीं याद हो सकता तो फिर मैं यहां पर कैसे याद कर लूंगा, 1.72 करोड़ वर्ग मील, यानी वर्ग मील में मैं आंसर लगाऊंगा 1.72 करोड़, और अगर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में आंसर लगाऊंगा तो 44.58 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और अगर मैं मान लीजिए वर्ग किलोमीटर में आंसर लगाऊंगा तो 4.45 करोड़ वर्ग किलोमीटर। इस तरह से यह एशिया का क्षेत्रफल हो गया। और इस दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो पृथ्वी का जो धरातलीय भाग है, फिर यहां एक चीज ध्यान दीजिएगा, यह अर्थ के टोटल लैंडमास की बात कर रहा, नहीं टोटल सरफेस की बात नहीं कर रहा, क्योंकि जैसे अर्थ का टोटल सरफेस कहेंगे फिर यहां पर जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताया याद रखिए, टोटल सरफेस में लैंडमास के साथ साथ वाटर बॉडीज भी इंक्लूड है। जब हम पृथ्वी के संपूर्ण सतह को लेंगे तो जल और स्थल दोनों आ जाएगा, लेकिन यह कह रहा है कि जो स्थल है यानी जो केवल लैंड ब्लॉक्स है, अगर हम लैंड मासेस की बात करें तो उसका 1/3 पोर्शन वो एशिया है, एक तिहाई लगभग, क्योंकि आप देख रहे 30% लिखा है, तो लगभग लगभग जो है एक तिहाई भाग या 30% भाग जो है एशिया है, यानी संपूर्ण स्थलीय भाग के 1/3 पोर्शन पर एशिया महाद्वीप का विस्तार। तो उम्मीद करता हूं ये डेटा भी आपको याद रहेगा, और इसके साथ साथ ये तो पहले से ही आप लोग को क्लियर ही है 1/3 एशिया है, ये आप जानते थे, उम्मीद करता आप सबने पढ़ा है, 30% पोर्शन एशिया का है ये भी क्लियर है, लेकिन ये आंकड़े आज जो आप क्लियर कर ले कि इस तरह से अगर पेपर में प्रश्न आ जाए तो आंसर लगाएं। लेकिन जब हम लोग 1/3 बात करते हैं बच्चों तो फिर मैं क्लियर कर दूं, ये 1/3 किसका, तो टोटल लैंड मास का। ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यूपीएससी की परीक्षा में एक बार ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया गया कि अर्थ के टोटल सरफेस का कितना पोर्शन एशिया, जरा इसका उत्तर आप लोग दें, मैं आपको एक मिनट समय दे रहा हूं, आप इसका आंसर दें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। कि अगर आपके प्रश्न पत्र में मान लीजिए कि ऐसा कोई प्रश्न आ जाता है कि अर्थ के टोटल सरफेस का कितना पोर्शन एशिया है तो क्या आंसर लगाकर आएंगे, मैं केवल परसेंटेज में बात कर रहा हूं, आप सब ने पहले से पढ़ रखा है 30%, लेकिन अब पूछ रहा हूं कि टोटल सरफेस का कितना आंसर लगाएंगे, तो इसको आप लोग आंसर दें फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए, तो आंसर मिला नहीं मिला, अगर नहीं मिला तो आज एक ये तथ्य भी आप लोग क्लियर कर लें, क्योंकि आपके प्रश्न पत्र में ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। अरुण कुमार जी ने कहा 2.4%। चलिए, बहुत अच्छा प्रयास है, कम से कम अरुण जी ने प्रयास तो किया, 2.4% आंसर दे रहे हैं, ऐसे आप सभी लोग प्रयास करके इसका उत्तर दीजिए। मैंने पूछा अर्थ के टोटल लैंडमास का तो 1/3 है, 30% आप सब जानते थे, लेकिन अर्थ के जो है टोटल सरफेस का कितना पार्ट एशिया है, तो बहुत सारे बच्चों का जो आंसर आ रहा है उस पर थोड़ा सा तथ्यात्मक जानकारी सही करिएगा, आप कहीं एक टेक्निकल मिस्टेक कर रहे हैं, आगे बताऊंगा कि ये 2.4 आपके मन में क्यों स्ट्राइक कर रहा है। भारत के संदर्भ में कुछ चीजें आपको याद आ रही हैं, मैं एशिया की बात कर रहा हूं,
तो जब एशिया के संदर्भ में ऐसा पूछा जाए तो यहां पर मैंने इसीलिए आंकड़े भी दे दिए कि आगे से आपके अगर प्रश्न पत्र में ऐसा कुछ आया तो आंसर ये लगाकर आपको आना, ये आंसर याद कर लीजिएगा 8.7% इसका आंसर होगा। यानी अर्थ के टोटल सरफेस एरिया जिसमें मैंने लैंड के साथ साथ वाटर भी मिला दिया, तो जब लैंड और वाटर सब मिलाकर टोटल सरफेस का पूछे कि एशिया का क्षेत्रफल कितना है तो आंसर लगाकर आइएगा 8.7%, यानी पृथ्वी के कुल सतह का लगभग 8.7% ये एशिया का क्षेत्रफल है। बच्चों क्या होता है कि कभी कभी कुछ एग्जाम के स्टैंडर्ड ऐसे होते हैं कि उसमें फंडामेंटल चीजों से ही कॉन्सेप्ट जोड़कर पूछ लिया जाता है। अब यहां पर एग्जामिनर ये बात जानता है कि सारी किताबों में बच्चों ने पढ़ रखा है कि एशिया का क्षेत्रफल विश्व के संपूर्ण क्षेत्र का एक तिहाई, तो विश्व के संपूर्ण क्षेत्र शब्द का मतलब ही हो गया, जब हम क्षेत्र की बात करते हैं तो इसका मतलब हो गया कि वो लैंड मास के रिस्पेक्ट में ये टर्म कह रहा, वर्ल्ड के टोटल लैंड पोर्शन का 1/3 एशिया। लेकिन जब टोटल सरफेस की बात करने लगे यानी पृथ्वी के कुल सतह को ले लेंगे तब ये आंसर ना लगा कर आइएगा कि 30% है, 1/3 है, आंसर हो जाएगा 8.7%। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो है ये तो क्षेत्रफल के संदर्भ में कुछ तथ्य थे जो आपसे मैंने शेयर किए, अब जरा यहां पर आप देख लें जनसंख्या के संदर्भ में कुछ चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे एशिया की जो आबादी है वो लगभग कितनी है, तो लिखा अराउंड 4.5 बिलियन। यानी 2015 के जो आंकड़े जारी किए गए वर्ल्ड सेंसस विश्व की जनगणना, उसमें लगभग जो है 4.5 बिलियन, 4.5 अरब, अगर आप हिंदी में मान लीजिए जाना चाहते हैं तो 4.5 अरब आबादी जो है वो एशिया की बताई गई। यानी एशिया की पॉपुलेशन विश्व की कुल आबादी में एशिया का हिस्सा 4.5 बिलियन है, तो लगभग आप देख रहे हैं कि यहां पर करोड़ में अगर फिगर दिया जाए तो 446.27 करोड़ जो है ये एशिया की आबादी है। और इस दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो आप क्या पा रहे हैं कि विश्व की कुल आबादी का लगभग 60% हिस्सा एशिया में निवास करता है। तो परसेंटेज में याद रखिएगा 60% ऑफ द वर्ल्ड, अकाउंटिंग फॉर अबाउट 60% ऑफ द वर्ल्ड, या इसी को आप कह सकते हैं कि विश्व की कुल आबादी में लगभग 3/5 हिस्सा एशिया का, तो 3/5 कहिए, 3/5 हिस्सा एशिया में निवास करती आबादी, या 60% कहिए, और या फिर आंकड़ों में बात करें तो आप कह सकते हैं 4.5 बिलियन। इसी संदर्भ में मैंने यहां पर आपके सामने एक डेटा भी लिख दिया है, बल्कि आप इसे नोट डाउन कर ले ज्यादा अच्छा रहेगा, और यहां पे उसे क्लियर भी कर दे रहा हूं। लिखा है द करेंट पॉपुलेशन ऑफ एशिया इज 4,63,59,05,262, यानी 4.6 बिलियन। इसको अगर शॉर्ट में याद करना चाहे तो आप देख रहे हैं कि यहां पर यह लगभग 4.6 बिलियन है। तो 4.6 बिलियन या पूरी तरह से याद करें तो 4,63,59,05,262, ये 15 मई 2020 को जो यहां पर वर्ल्ड पॉपुलेशन का एस्टीमेट जारी किया गया, लेटेस्ट यूएन एस्टीमेट, उसी के आधार पर यह नया आंकड़ा है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि जो एशिया की पॉपुलेशन है वो लगभग लगभग 59.76% विश्व के कुल आबादी का है। तो विश्व के कुल आबादी का लगभग जो मैंने कहा था 60% वो इसी बेस पर कहा है 59.76%, ये बिल्कुल लेटेस्ट या बिल्कुल अपडेटेड जानकारी है। अभी 2020 में 15 मई को यूएन का एक एस्टिमेट जारी हुआ है जिसमें एशिया की एक करंट पॉपुलेशन बताई गई। तो आप याद करने के लिए इसमें दो तथ्य केवल याद कर ले कि एशिया की आबादी लगभग 4.6 अरब है, 4.6 बिलियन है, और दूसरी बात विश्व की कुल आबादी में एशिया का हिस्सा लगभग 3/5 या 60% है, याद रहेगा ये। आगे बढ़ते हैं, तो आपने क्षेत्रफल और इसके साथ साथ जो है जनसंख्या दोनों दृष्टिकोण से एशिया को देख लिया। अब जब इतनी बातें आप जान गए तो क्यों ना इसी समय हम एशिया में जितने भी देश हैं, यूनाइटेड नेशन का इस पर भी एक रिपोर्ट है, और यूनाइटेड नेशन की माने तो एशिया में लगभग 48 देश हैं,
उनमें से एक आंकड़ा आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि एशिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार या जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा देश, इस तरह से प्रश्न आ सकता है। तो इस तथ्य के बारे में भी कुछ आपको जानकारी दे दूं, आप साथ में इसको नोट डाउन करते जाएंगे। यानी लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ एशिया इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ एशिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो यहां पर दोनों चीजें मैंने लिखी, ये इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन लिखा है और ये इन टर्म्स ऑफ एरिया लिखा है। लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ एशिया, एशिया के बड़े देशों की मैं बात कर रहा हूं। जब क्षेत्रफल के अनुसार अगर ऐसा कोई प्रश्न आपके पेपर में आया तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। क्षेत्रफल के अनुसार एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो उत्तर आपको चीन लगाना। फिर आप कहेंगे सर फिर आपने यहां रूस क्यों लिखा। देखिए राजनीतिक रूप से रूस जो है वो यूरोप का देश है, यूरोप का हिस्सा है, ठीक है, लेकिन भौगोलिक रूप से रूस का ही एक हिस्सा ऐसा है जो एशिया में पड़ता है। और खासकर अभी आप आगे देखेंगे एशिया का जो उत्तरी भाग यानी उत्तरी एशिया, जो मैंने अभी आपको बताया था कि यूरोप और एशिया ये लगभग आप देख रहे कनेक्टेड दिखाई दे रहा है, इसके लैंड पोर्शन जुड़े हुए हैं। तो जो एशिया में आप पाएंगे कि रूस का एक बड़ा हिस्सा पड़ता है जिसे साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। तो साइबेरिया भौगोलिक रूप से एशिया का हिस्सा, लेकिन जो इसका मुख्य भाग यानी इस देश का मुख्य भाग रशिया है वो एशियन कंट्री नहीं है, वो यूरोपियन कंट्री, वो यूरोप का देश है। तो अगर आप यहां पर जो है राज मिश्रा जी आप कह रहे हैं सर कहां थे आप। देखिए राज मिश्रा जी पिछले कुछ समय से मैं कुछ अपनी व्यक्तिगत समस्याएं हैं जो बहुत उचित नहीं समझता हूं इस मंच पर शेयर करने के लिए। मेरी कुछ पारिवारिक दिक्कतें थीं और मैं अगर सही बात कहूं तो मानसिक रूप से भी सहज नहीं था कि आपको पढ़ा पाऊं। मैंने पिछले लगभग 2-3 महीनों में पूरा प्रयास किया है कि मैं मानसिक रूप से सहज हो जाऊं और आपको पढ़ा सकूं। मेरे परिवार में कुछ इतना गंभीर संकट आया जिसके कारण कहीं ना कहीं मुझे पिछले 2-3 महीने बहुत वेदना सहनी पड़ी और इस कारण से मुझे लगा था कि मैं अभी काफी लंबे समय तक शायद ना पढ़ा पाऊं, लेकिन परिवार ने ही सहारा दिया, उसने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया कि आप अपने जीवन में बहुत सारी चुनौतियों का भी सामना करते हैं, संकट का भी सामना करते हैं, लेकिन जो भूमिका आपकी होती है वो आपको निभाना पड़ता और इसीलिए जीवन को एक रंगमंच कहा गया। अगर मैं अपने अंदर की बात कहूं, अपने अंतरात्मा की बात कहूं, तो आज भी मेरे कहीं ना कहीं मन में एक दुख है क्योंकि परिवार में एक ऐसी घटना घटी है जो ना इस पार है ना उस पार। ठीक है, परिवार का एक बहुत ही अजीत सदस्य वो गायब है जिनको हम लोग ढूंढने में लगे हैं। तो मैं इस मंच को बहुत ठीक नहीं समझता हूं कि मैं सारी चीजें शेयर करूं, लेकिन इन्हीं व्यक्तिगत समस्याओं के कारण जो है मैं पिछले कुछ समय से पढ़ाने में सहज नहीं था। थोड़ा बहुत अपनी मानसिक स्थिति को सही करके मैं आपसे जुड़ा हूं और उसी कहीं ना कहीं आत्मविश्वास के साथ जुड़ा हूं कि पूरी ईमानदारी से पूरी लगन से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा, आप सभी के लिए अच्छा करने का प्रयास करूंगा और बाकी सारी चीजें ईश्वर के हाथ में। मनुष्य जो है वो कहीं ना कहीं कुछ जगह पर बहुत असहज या बहुत ही आप कह सकते हैं कि असहाय होता है, उसके हाथ में जो चीजें हैं वो उतना ही कर सकता है, बाकी सारी जो ईश्वरीय अनुकंपा होती है और ईश्वर की अगर इच्छा होगी तो सब कुछ आगे मैं बेहतर करने का प्रयास करूंगा। तो आप सबकी भी बड़ी शुभकामनाएं मुझे मिली इस दौरान, मैं बहुत अस्वस्थ भी हुआ लेकिन सब कुछ ठीक होकर आया हूं। तो आप उम्मीद करिए कि मैं आगे आपसे निरंतर लाइव बैचेस में जुड़ा रहूंगा और अगले 6 महीने तक आपको मैं जीएस इसी शैली में बहुत अच्छे से तैयार कराऊंगा। चलिए टॉपिक पर आ जाते हैं। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था कि जो क्षेत्रफल के अनुसार हम देशों की बात करेंगे तो अगर ऐसा सीधा आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि विच इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ एशिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो मैंने कहा उत्तर चीन लगा दीजिएगा। लेकिन ऐसा इसलिए यहां पर मैंने लिखा है कि अगर आपके प्रश्न पत्र में कोई इस तरह का ऑप्शन दे दिया जाए जिसमें मान लीजिए ऑप्शन में रशिया ना लिखकर साइबेरिया दे दिया, तो जो साइबेरियन रीजन है, साइबेरियाई प्रदेश है रशिया का, वो बेसिकली एशिया में ही पड़ता है। इसी साइबेरिया का जो आप पार्ट देखें इसी को उत्तर एशिया कहते हैं। तो अगर ऐसा ऑप्शन आए कि साइबेरिया लिखा है, चीन लिखा है, भारत लिखा है, कजाकिस्तान,
तब आप उत्तर साइबेरिया लगा सकते हैं, यानी कि इन स्थितियों में आपका आंसर हो जाएगा साइबेरिया इज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ एशिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। लेकिन कंट्री वाइड अगर देखें तो साइबेरिया कोई कंट्री तो नहीं, साइबेरिया तो रशिया का एक आप कह सकते हैं प्रदेश है, एक रीजन है। तो ऐसे संदर्भ में चूंकि हम रूस आंसर क्यों नहीं लगा सकते, रूस एशियाई देश है ही नहीं, रूस यूरोपियन देश है, और इस कारण से यहां पर आंसर आपका चाइना हो जाए। तो दोनों चीजें इसलिए क्लियर की है कि एग्जाम के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कभी कभी कुछ स्टेटमेंट आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा भी प्रश्न आ जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वो सत्य नहीं है। ठीक है, अब यहां पर लिख दिया, पहला ऑप्शन लिख दिया मान लीजिए कि साइबेरियाई प्रदेश जो है वो एशिया का सबसे बड़ा भूभाग है, सबसे बड़ा लैंड मास है इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो ये टर्म ये जो लिखा जाएगा स्टेटमेंट ये पूरी तरह से सही होगा, इसे आप गलत मत मान लीजिएगा, क्योंकि साइबेरिया मैंने कहा उत्तर एशिया में पड़ता है। राज मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने बड़ा सहयोग किया है मेरा, और मैं पिछले कुछ समय से जो परेशान था उस परेशानी में भी आप सबने धैर्य के साथ मेरा साथ दिया। तो आगे भी उम्मीद करता हूं कि आप सब उसी मनोवेग के साथ पढ़ाई लिखाई करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए निरंतर जो है अध्ययनरत रहेंगे। जब तक प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता नहीं मिलती है, अपना अभ्यास अपनी पढ़ाई लिखाई मत छोड़िए, निरंतर लगे रहिए। बच्चों जीवन में बदलाव लाने का ये एक बहुत बड़ा आधार होता है, और पढ़ाई लिखाई आपकी मेहनत ही आपको जो है किसी मुकाम तक पहुंचाती है। तो एक बात बड़ी ईमानदारी से कहूंगा, पिछली क्लास में भी मैं यही बात कह रहा था, लाखों अभ्यर्थी परीक्षा देते हैं, सफल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बहुत सीमित होती है। तो जो बच्चे सफल होते हैं वो कुछ यूनिक नहीं होते, बस उनकी कार्यशैली यूनिक होती है, वो मेहनती होते हैं, सही डायरेक्शन में काम करते हैं और निरंतरता बनाए रखते हैं। आप सब निरंतर प्रयास करिए, क्योंकि सफलता आपके अपने हाथों में है, ना कोई कोचिंग संस्थान ना कोई ऑनलाइन कोर्स किसी को सफल बना सकता है, हमारी भूमिका बहुत सीमित होती है। मैं आपको सिर्फ सही गाइडेंस दे सकता हूं, पढ़ना आपको ही पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यह सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं कि मेहनत आपको करनी है, डायरेक्शन मैं दिखाऊंगा। हाँ बिल्कुल राज मिश्रा जी, डेली आपकी क्लासेस सुबह 11 बजे से लेकर लगभग 1 बजे तक चलेंगी ज्योग्राफी की, और उसी श्रृंखला में आज आप मान सकते हैं आज आपकी पहली क्लास। ठीक है, मैंने शुरुआत की, फर्स्ट क्लास है ये। ठीक, तो क्षेत्रफल के अनुसार मैंने जो चीजें क्लियर की, अब एक बार फिर से आप समझ लें, यहां पर सबसे बड़ा देश मैंने कहा चाइना, वैसे भौगोलिक रूप से अगर देखें तो साइबेरियाई प्रदेश भी एशिया का हिस्सा, इसलिए इसे पहले नंबर पर मैंने रखा। तो पहला साइबेरिया, दूसरा चीन, तीसरा भारत, चौथा कजाकिस्तान। एक अच्छी बात है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत भी जो है वो कम से कम एशिया में तीसरे स्थान पर है। अब एक तथ्य जो आप सबको मालूम है, फिर यहां पर एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, उम्मीद करता हूं आप सब सही उत्तर इसका जरूर देंगे, कि अगर मैं विश्व के संदर्भ में बात करूं, वर्ल्ड के सिनेरियो में बात करूं, तो विश्व के संदर्भ में भारत की रैंक क्या है, यानी इन टर्म्स ऑफ एरिया मैं पूछ रहा हूं, यानी मैं क्षेत्रफल के अनुसार पूछ रहा हूं भारत विश्व में किस स्थान पर है, क्योंकि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश अगर पूछ लिया जाए तो भी इसका उत्तर आप दे सकते हैं, और क्षेत्रफल के अनुसार भारत विश्व में कौन स्थान रखता है, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं। हालांकि जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन जैसे राज मिश्रा जी ने यहां आंसर दे दिया 7th प्लेस पर है, यह बिल्कुल सही। तो विश्व संदर्भ में अरुण कुमार जी आपका भी उत्तर सही है, सभी बच्चे गुलफाम खान आपका भी सही है, सभी के जो उत्तर आ रहे हो सही है कि विश्व के संदर्भ में भारत 7वां है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके प्रश्न पत्र में ऐसा कोई प्रश्न आया तो जल्दीबाजी में आप गलती मत करिएगा, इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया हैज द प्लेस या रैंक इन एशिया, यानी एशिया में भारत कौन सा स्थान रखता है इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो कुछ लोग जल्दीबाजी में क्या करते हैं, वहां भी 7वां आंसर लगा देंगे। बिल्कुल रितु जी आपका भी आंसर सही है, सभी बच्चों ने, विकी राज ने, जिसने भी आंसर दिया सबने सही दिया, और मैं जानता हूं जितने भी बच्चे इस पर आंसरिंग करेंगे सबके सही होंगे। लेकिन मैं जो यहां पर आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है उसे दूर करने के लिए बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए, कि अगर इन टर्म्स ऑफ एरिया भारत की रैंक एशिया के रेस्पेक्ट में पूछे, एशिया के संदर्भ में पूछे, तो आज के बाद आंसर क्या लगाएंगे, 3rd, यानी भारत तीसरे स्थान पर है, और विश्व के संदर्भ में भारत जो है वो 7वें स्थान पर। तो
एशिया में चार बड़े देशों का नाम जान लीजिए, साइबेरियाई प्रदेश, चीन, भारत, कजाकिस्तान, ये चार बड़े हो गए। और फिर अगर हम हो सके तो 10 स्थान तक याद कर ले तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने आपको नोट्स में ये जरूर दे दिया कि आप 10 जान लें, लेकिन अगर आप ये 10 नहीं याद कर सकते तो एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम ये जो है चार आप जरूर याद रखिएगा कि एरिया के टर्म में अगर देखा जाए तो साइबेरियाई प्रदेश, चीन, भारत और कजाकिस्तान ये एशिया के बड़े देश है। क्लियर हो गया। अब ऐसे ही थोड़ा सा हम लोग जनसंख्या के संदर्भ में भी बात कर ले, पॉपुलेशन के टर्म में। पॉपुलेशन के टर्म में तो कोई डाउट ही नहीं कि आप सबको यह टॉपिक क्लियर है, विश्व में सबसे अधिक या विशाल आबादी वाला देश चाइना है और भारत भी इसमें पीछे नहीं है, भारत भी दूसरे स्थान पर है। और भारत जिस तरह से प्रयासरत है, मुझे तो लगता है आने वाले समय में हम लोग चीन को पीछे छोड़ेंगे। कम से कम एक उपलब्धि तो हासिल ही करेंगे कि चीन को पीछे छोड़कर विश्व में अपना पहला स्थान बना लेंगे। लेकिन किसमें? पॉपुलेशन के मामले में मैं बात कर रहा हूं। हालांकि चिंता मत करिए, इतना जल्दी भी नहीं होगा, ये उम्मीद की जा सकती है कि 2026 के बाद यह स्थिति पैदा हो सकती है। तो कुल मिलाकर के जिस रफ्तार से भारत की आबादी बढ़ रही है, आने वाले समय में बहुत जल्दी हम लोग यह स्थान हासिल करेंगे। लेकिन अभी के लिए जब तक आप परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे हैं तब तक बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप अभी जो है चीन से पीछे ही हैं। तो चीन पहले स्थान पर, भारत दूसरे स्थान पर, इंडोनेशिया तीसरे स्थान पर और अपना पड़ोसी या जो अपना बिछड़ा हुआ भाई है पाकिस्तान, वो भी किसी मामले में पीछे नहीं। किसी मामले में, खासकर मैं जनसंख्या के संदर्भ में बात कर रहा हूं कि क्षेत्र में भले ही छोटा हो जाए लेकिन पॉपुलेशन में भारत को टक्कर देने की जो है वो स्थिति में है। क्योंकि अगर भारत का स्थान दूसरा है तो आप देख रहे हैं पाकिस्तान का स्थान वो चौथा। हालांकि फिर क्लियर कर दूं, मैं एशिया के टर्म में बात कर रहा हूं। तो एशिया के संदर्भ में चीन, भारत, इंडोनेशिया और पाकिस्तान का नाम यहां पर जो है याद रखिएगा। बाकी ना केवल एशिया के संदर्भ में बल्कि विश्व के संदर्भ में भी आप जानते हैं चीन और भारत ही विशाल आबादी वाले देश हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये डेटा आप सबने नोट कर लिया होगा, इन टर्म्स ऑफ एरिया एशिया के बड़े देशों का नाम एक बार फिर से देख लें। 10 लिख लीजिए लेकिन कम से कम 4 याद रखिएगा, ठीक है? पहला साइबेरिया, दूसरा चाइना, तीसरा इंडिया, चौथा कजाकिस्तान। बाकी नीचे के नाम भी नोट डाउन कर लीजिएगा, यानी आप टर्की तक लिख लीजिए। ये 10 बड़े देश हैं एशिया के, ठीक। फिर इसके साथ साथ हाँ देखिए, आप लोग जो फर्दर चीजें पूछ रहे हैं वो मैं अलग से भी बता सकता हूं, लेकिन राज मिश्रा जी आपने पूछा है कि यूपीएसआई के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की बुक कौन सी अच्छी है इंग्लिश में। अगर आप यूपीएसआई के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की बुक लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप प्रतियोगिता दर्पण का एक एडिशनल इश्यू आता है पॉलिटी पर, पॉलिटी एंड गवर्नेंस करके, वो आप ले सकते हैं। उसमें कंसाइज है लेकिन बहुत अच्छे से मैटर को एक्सप्लेन किया गया है, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम को ध्यान में रखकर लिखा गया, वो अच्छी बुक है। चलिए यहां पर फिर इसके बाद जनसंख्या के दृष्टिकोण से जिन देशों की बात कर रहा था, कहा था 4 कम से कम याद रखिएगा, 2 तो आप सबको याद ही है, चीन और भारत, इंडोनेशिया और पाकिस्तान का नाम भी इसमें जोड़ लीजिएगा, और बाकी इसमें भी 10 के 10 देशों का नाम लिख लीजिए। यानी टर्की क्षेत्रफल में भी 10वें स्थान पर है एशिया में, और टर्की यहां पर जो है जनसंख्या में भी 10वें स्थान पर है। तो 10 बड़े देश क्षेत्रफल में एशिया के हो गए और 10 जो है वो बड़े देश जनसंख्या के टर्म में हो गए। दोनों क्लियर हो गया, लिख लिया आपने, इसको याद रखना है, कम से कम 4 स्थान जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आ जाते हैं छोटे देशों की भी बात कर लेते हैं, स्मॉलेस्ट कंट्री। अगर आपसे प्रश्न पत्र में बड़े के बारे में पूछा जा सकता है तो छोटों का भी यहां पर निरादर नहीं किया गया, छोटों का भी सम्मान किया गया, जो स्मॉल है उनके बारे में भी पूछा जा रहा है। तो द स्मॉलेस्ट कंट्रीज ऑफ एशिया, एशिया के छोटे देश इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन।
अगर हम टर्म्स ऑफ एरिया में बात करेंगे, क्षेत्रफल में बात करेंगे, तो एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? आंसर लगाएंगे मालदीव। इसमें पांचों ना भी याद रहे तो कम से कम यह जरूर याद रखिए, द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ एशिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, और यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? मालदीव। दूसरी बात, यहां फिर ध्यान दीजिएगा, पॉपुलेशन में भी एशिया में सबसे छोटा देश कौन सा है? तो आंसर क्या लगाएंगे? मालदीव। तो आपको यहां एक सहूलियत क्या हो गई कि मालदीव ही जो है क्षेत्रफल में और जनसंख्या में दोनों दृष्टिकोण से एशिया का सबसे छोटा देश। ऐसे देश के संदर्भ में बात करें तो चाइना ही एरिया में भी और पॉपुलेशन में भी एशिया का सबसे बड़ा देश है। बाकी कब साइबेरिया आंसर लगाना है यह भी आपको क्लियर कर दिया। तो इस तरीके से एशिया के बड़े और छोटे देशों का नाम याद रहे, बहुत अच्छा है। इसमें से भी प्रश्न आ सकता है, ठीक। मालदीव के बाद दूसरे स्थान पर सिंगापुर, फिर बहरीन, फिर ब्रुनेई और फिर साइप्रस। इसी तरीके से पॉपुलेशन में मालदीव के बाद ब्रुनेई, फिर भूटान, फिर तिमोर लिस्ते या पूर्वी तिमोर के नाम से, ईस्ट तिमोर के नाम से जिसे जाना जाता है, और फिर बहरीन। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से एशिया के बड़े और छोटे देशों के बारे में एक आंकड़ा था जो मैंने आपसे शेयर किया। यह सब आपको याद करना होगा, यानी कल की क्लास में मैं इसमें से कुछ चीजें रिकैप करते हुए पूछूंगा तो आप उत्तर दे सके, इसे रिवाइज करके आएंगे। आगे बढ़ते हैं। एशिया के बारे में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसको आधार बनाकर, हाँ राज मिश्रा जी बिल्कुल मैं ठीक हूं, अभी पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ था लेकिन रिकवरी करके आया हूं, तो आप चिंता ना करें, अब ठीक हूं और उम्मीद करता हूं आगे भी ठीक रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राज जी। चलिए, तो एशिया महाद्वीप के बारे में ऐसा भी एक प्रश्न आ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि पूछा जा सकता आपके पेपर में इस तरह का प्रश्न, विच कॉन्टिनेंट इज डिफाइंड एज कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट, किस महाद्वीप को विरोधाभासों का महाद्वीप परिभाषित किया जाता है? विरोधाभासों का महाद्वीप, कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट कहने का अर्थ क्या है, पहले तो इसको थोड़ा सा समझे, और उसके फैक्ट को अगर आप क्लियर कर लें तो आप अपने आप यह याद कर सकते हैं, यानी फिर रटने की आवश्यकता नहीं कि ऐसा कहा क्यों गया, इसके पीछे कोई ना कोई जेन्युइन रीजन होगा, कोई लॉजिक होगा, ऐसे तो नहीं कह दिया गया एशिया को कि विरोधाभासों का महाद्वीप है। तो एशिया को विरोधाभासों का महाद्वीप कहने के पीछे जो वजह है उसको समझे, लेकिन पहले आप यह समझे कि आखिर विरोधाभास किसे कहा जाता है। कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है? जो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हो। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि किसी का रंग सफेद है तो इसका अपोजिट क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे सर उसका रंग काला। तो अगर कोई सफेद है कोई काला है तो आप कहेंगे बिल्कुल कंट्रास्ट हो गया, एक दूसरे से विरोधाभासी। अगर मैं कहूं कोई चीज बहुत ऊंची है तो आप इसका जो है कंट्रास्ट लें तो क्या कहेंगे? बहुत नीची है। तो अगर ऊंचाई और कहीं ना कहीं उसके नीचे होने के आधार पर आप कंपेयर कर रहे हैं तो आप कहेंगे एक दूसरे से कंट्रास्ट है। तो वही बात यहां पर लागू होती है। दरअसल एशिया जो है वो भौतिक और सांस्कृतिक रूप से काफी विविधताओं से भरा हुआ, यानी फिजिकली एंड कल्चरली मोस्ट डाइवर्स। यहां के फिजिकल फीचर्स को आप ले लें उसमें भी काफी आपको वेरिएशंस दिखेगा, और यहां के आप कल्चरल फीचर्स को देखेंगे उसमें भी आपको बहुत सारी विविधताएं दिखाई देंगी। और यही कारण है कि आप अगर कुछ तथ्यों पर नजर देखें, जैसे मैं फिजिकल फीचर्स की बात करूं तो आपसे अगर एक जनरल सा प्रश्न पूछा जाए, आप सब जानते हैं विच इज द हाइएस्ट पीक, माउंटेनियस पीक ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल वेल नोन है, इसमें किसी को कोई डाउट ही नहीं है। ये क्लास सिक्स के बच्चे से अगर पूछ लिया जाए कि संसार की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है तो उम्मीद करता हूं वो भी आंसर दे देगा। यानी एसएसटी आपने पढ़ी है, और जरूरी नहीं कि आपने ये कह दिया कि सर नहीं जीएस तो मैंने पढ़ा ही नहीं, स्कूलिंग लेवल से आप ये पढ़ते आ रहे हैं तो आप यहां पर सीधा उत्तर दे सकते हैं कि संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। यानी कि दुनिया में पढ़ने लिखने वाला हर इंसान, यानी अगर बेसिक चीजें उसकी तैयार है तो वो तुरंत इसका जवाब देगा, माउंट एवरेस्ट इज द हाइएस्ट माउंटेनियस पीक ऑफ द वर्ल्ड, संसार की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है एवरेस्ट। फिर इसका जरा कंट्रास्ट देखिए,
कि जो हमारे लैंड सरफेस पर, धरातल पर, पृथ्वी पर, अर्थ पर जो निम्नतम बिंदु है, लोएस्ट पॉइंट, यानी एक आप कह रहे हैं सबसे ऊंचा और एक तरफ फिर आप कह रहे हैं सबसे नीचा, तो एक तरफ लिखा हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड और एक तरफ लिखा लोएस्ट पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कंट्रास्ट देखिए, यानी यहां पर जो है सबसे ऊंची चोटी दिख रही है, तो संसार का सबसे जो है निचला बिंदु भी दिख रहा है, और वो आप अगर देखें तो कौन सा है, तो यहां पर लिखा हुआ है डेड सी। यानी इसके बारे में भी जानें, जैसे माउंट एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा है, ऐसे ही यहां पर ध्यान दीजिएगा डेड सी यानी मृत सागर, वो संसार में यहां पर। हां, क्या पूछ रहे हैं ओंकार जी? आप पूछ रहे हैं मैथ्स की क्लास के बारे में। देखिए, शायद मैंने आपको यह बात बताई भी थी, अगर नहीं बताया है तो एक बार फिर से मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि भारती सर अब पूरी तरह ठीक हो चुके हैं और बहुत जल्दी जो है अगले सप्ताह से आपकी क्लासेस लेंगे। रितु रानी जी आप कह रहे हैं मरीना ट्रेंच। देखिए रितु रानी जी, यहां पर आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि प्रशांत महासागर में गहरी खाई है जिसका नाम है मैरियाना ट्रेंच। वो आप बात कर रहे हैं मैरियाना ट्रेंच की, वो लैंड सरफेस नहीं हुआ, यानी फिर समझिए मैं धरातल की बात कर रहा हूं। सर यहां पर चीजों को नोट करिएगा, धरातल का सबसे निम्नतम बिंदु मैं कहा, आप तो सागर तल में चली गई। सागरीय तल में भी जो है खाइयां होती हैं, पर्वत होते हैं, जब आप ओशियन का टॉपिक पढ़ेंगे तो आप देखें उसमें भी रिलीफ फीचर्स है। तो अगर सागर को भी ले लें, महासागर को भी ले लें, तो जो महासागरीय खाइयां होती हैं जिन्हें ट्रेंच कहते हैं, उसमें मैरियाना ट्रेंच संसार में सबसे जो है वो गहरा भाग हो जाए। लेकिन मेरा प्रश्न कुछ और था, रेफरेंस आपने कुछ और लिया, मैं धरातल की बात कर रहा हूं, लैंड सरफेस की बात कर रहा हूं। तो लोएस्ट पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी अगर हम धरातल की बात करें तो आंसर आप कहीं गलती से मैरियाना ट्रेंच मत लगा दीजिएगा, आप आंसर डेड सी लगाइएगा, यानी कि यहां मृत सागर लगाइएगा। अच्छा, यहां पर मृत सागर के बारे में भी आपको एक चीज स्पष्ट कर दे रहा हूं। क्या स्पष्ट कर रहा हूं ध्यान दीजिएगा, मृत सागर को अगर एक डायग्राम के माध्यम से समझना आप चाहें, जैसे मान लीजिए यह दरअसल एक लेक है, एक झील है, तो मैं एक रफली आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि सबसे पहली चीज मृत सागर के बारे में मैंने क्या बताया कि इट इज अ साल्ट लेक, लिख लीजिएगा आप लोग, यह एक खारे पानी की झील है, साल्ट लेक इन एशिया, ये एशिया में खारे पानी की एक झील है मृत सागर, और मृत सागर की जो गहराई है उसी कारण से इसे लोएस्ट पॉइंट कहा जा रहा है। तो अगर यहां पर आप देखेंगे मृत सागर की लोकेशन, अगर हो सके बहुत अच्छा रहेगा, आप सबके पास एटलस जरूर होगा। मैंने अभी कल की क्लास में क्या कहा था कि आप सभी लोग एटलस लेकर ही जो है वो क्लास में बैठिएगा, ठीक है? तो अगर आप लोगों ने एटलस रखा है तो एशिया वाला मैप खोलिएगा आप, और एशिया महाद्वीप में आप मृत सागर की जो मैं लोकेशन बताने की कोशिश कर रहा हूं उसे खोजिए, ठीक है? एशिया कॉन्टिनेंट का पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप, दो मैप आपको एटलस में दिखेगा, और आप एशिया का फिजिकल मैप खोलिए जहां पर कुछ चीजें आपको बताने जा रहा हूं। आप सभी लोग वो पेज खोलकर अपने सामने एटलस में रख सकते हैं, और फिर जो लोकेशन बताऊंगा आप समझ जाएंगे, वहां आप पेन से टिक कर सकते हैं जिससे बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो एशिया में खासकर जब आप वेस्टर्न साइड में, यूरोप जिधर है, यूरोप की तरफ आप बढ़ते हैं, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, तो आप देखिएगा वहां पर एक कंट्री आपको दिखाई दे, बड़ी पॉपुलर है, इजराइल। मैप में आपको मिल जाएगा इजराइल जो है वो एक कंट्री है, और इजराइल के नॉर्थ में देखिएगा एक कंट्री यहां होगी जॉर्डन, ठीक? एटलस में इसे आप खोजने का प्रयास करें, उम्मीद करता हूं आपको वो मिल जाएगा। इजराइल दिख रहा होगा, जॉर्डन दिख रहा होगा, इजराइल और जॉर्डन जो है इस लेक के आप पाएंगे ईस्टर्न साइड में, यानी इसका ईस्ट बॉर्डर बना रहा है, पूर्वी सीमा, बॉर्डरिंग ईस्ट, यानी कि जो पूर्वी सीमा इसकी निर्धारित हो रही जॉर्डन और इजराइल से। और फिर इधर की तरफ आप देखेंगे तो वेस्ट बैंक नाम से एक जगह है, ठीक है?
वेस्ट बैंक फिलिस्तीन से जो है लगभग लगा हुआ क्षेत्र है, तो इसके एक साइड में वेस्ट बैंक है और एक साइड में जॉर्डन और इजराइल है, और इसी के बीच में खारे पानी की यह झील है जिसको डेड सी के नाम से जाना जाता है। एशिया की एक साल्ट लेक है और इसी को डेड सी या मृत सागर के नाम से जानते हैं। और यहां पर एक तरीके से अगर देखें तो जो इसकी गहराई है वो 392 मीटर है। ये बात अलग है कि यहां पर मैंने एक आंकड़ा लिखा है कि सरफेस के रिस्पेक्ट में यानी सी लेवल के रिस्पेक्ट में जब देखेंगे तो 392 मीटर तक लगभग है, और यहां पर अगर आप देखें तो मैंने सरफेस के रिस्पेक्ट में लिखा 430.5 मीटर, ये इसका जो है कहीं ना कहीं गहराई। तो ये एक तरीके से लोएस्ट पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है, और ये जो है एक तरीके से हाइएस्ट एलिवेशन है सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी हमारी पृथ्वी पर अगर आप देखें तो संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी एशिया में, और दूसरी तरफ जो है यहां पर लोएस्ट पॉइंट भी जो है वो एशिया में। ये दोनों चीजें एशिया में मौजूद है एक दूसरे के, ये कहीं ना कहीं जो है कंट्रास्ट में है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब फिर बात करते हैं अगले पॉइंट पर, आपको कंट्रास्ट कैसे दिखाई देगा। एशिया महाद्वीप में ही आप देख रहे हैं लार्ज एरिड डेजर्ट भी है, यानी कि विशाल शुष्क मरुस्थल भी है एशिया में। अगर आप देखें तो गोबी मरुस्थल, थार मरुस्थल और मंगोलियाई मरुस्थल, गोबी, थार और मंगोलियाई डेजर्ट जैसे एरिड डेजर्ट भी मिलेंगे। और मजे की बात, एरिड का मतलब जहां पर वर्षा नहीं हो रही, वर्षा हो भी रही तो नाम मात्र की, 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो रही, तो औसत वार्षिक वर्षा इतनी कम है जिसके कारण जो है ये शुष्क मरुस्थल बन गया, जिसमें थार से आप वेल नोन है, बहुत अच्छे से परिचित है, गोभी भी आप जानते ही है चीन और मंगोलियाई क्षेत्र में, और एक मंगोलियाई मरुस्थल। ये सब जो एरिया है ये दुनिया के एरिड डेजर्ट में से एक बड़े मरुस्थलों में से है। दूसरी तरफ संसार में सबसे आर्द्र स्थल, आर्द्र स्थल मतलब जहां बहुत ज्यादा वर्षा होती है, तो एक तरफ बिल्कुल सूखा पड़ा और एक तरफ आप देख रहे पानी पानी बरस रहा, तो संसार में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ की बात करेंगे वो भी एशिया में। भाई गोभी मैंने कहा चीन से लेकर मंगोलिया तक फैला है, चाइना का डेजर्ट, थार आप जानते ही हैं राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा पर, और इधर मंगोलियाई डेजर्ट, तो ये भी एशिया का क्षेत्र हो गया। और दूसरी तरफ नाम लिखा है मासिनराम और चेरापूंजी, चेरापूंजी का रिकॉर्ड पहले सबसे ज्यादा वर्षा में था और चेरापूंजी के रिकॉर्ड को तोड़ा मासिनराम ने। ये दोनों स्थल आप सब जानते हैं कि भारतीय राज्य मेघालय में, तो इस तरह से यह भी एशिया में, यह भी एशिया में, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। कंट्रास्ट का मतलब अपोजिट होना, तो यही कारण है कि इस रेस्पेक्ट में हम कह रहे हैं कि एशिया विरोधाभासों का महाद्वीप है। तो एक टर्म आपका क्लियर हो जाना चाहिए, किस महाद्वीप को विरोधाभासों का महाद्वीप कहते हैं, एशिया को, क्यों इसे विरोधाभासों का महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि आपको विरोधाभास दिखाई दे रहे हैं फिजिकल फीचर्स में, कल्चरल फीचर्स में, हर जगह आपको विरोधाभास दिखाई देंगे। जैसे अभी पहला पॉइंट क्या बताया, संसार की सर्वोच्च चोटी भी एशिया में और संसार का जो सबसे गहरा भाग है वो भी एशिया में। ठीक, आगे बात करते हैं। अब पृथ्वी का सर्वाधिक ठंडा स्थान, कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, यानी पृथ्वी पर सबसे कम तापमान और दूसरी तरफ अगर देखें तो बहुत ज्यादा तापमान, एक दूसरे से बिल्कुल कंट्रास्ट, बिल्कुल जो है अलग हो गए। तो जब हम सर्वाधिक ठंडे स्थान की बात कर रहे हैं तो आप पाएंगे बर्खोयान साइबेरिया में -69.8 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो टेम्परेचर, तो ये दिखाता है कि कोल्डेस्ट प्लेस भी एशिया में, क्योंकि साइबेरियाई क्षेत्र क्या बताया था, एशिया का भूभाग है। दूसरी तरफ यहां पर आप पाएंगे ईरान में एक अहवाज शहर है, दो शहर कम से कम याद रखिएगा, एक है तिराजीवी, मैं लिख देता हूं बल्कि इधर हिंदी में लिख दे रहा हूं,
जो तिराज जीवी है यह इज़राइल में पड़ता है, ठीक है, यहां पर भी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और यहां पर आप पाएंगे कि यहां भी टेम्परेचर जो है 50 प्लस गया है। लेकिन अभी रिसेंट में 29 जून 2017 को ईरान में एक स्थान है, उस जगह का नाम है अहवाज शहर। ईरान के अहवाज सिटी में यहां 54 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। और इस तरह से अगर आप देखें तो यह हॉटेस्ट प्लेस बन गया, यानी एक तरफ आप देख रहे हैं कोल्डेस्ट प्लेस भी एशिया में और एक तरफ आप देख रहे हैं हॉटेस्ट प्लेस भी एशिया में, तो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट चीजें मिल रही हैं। इस कारण से भी हम एशिया को क्या कहते हैं, विरोधाभासों का महाद्वीप। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। फिर आप देखिए कि पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले, आपने ये फैक्ट तो पढ़ा ही कि विश्व की सर्वाधिक आबादी किस महाद्वीप में निवास करती है, एशिया में 60%। अब ये जो आबादी एशिया में है वो अलग अलग रीजन में अलग अलग डेंसिटी में मिलती है। डेंसिटी आप जानते ही हैं कि पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जितने पर्सन रहते हैं, यानी कि प्रति वर्ग क्षेत्र में जो है जितने प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जितने व्यक्ति निवास करते हैं उन्हीं को डेंसिटी कहते हैं। तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, सघनता आप कह लीजिए या जनघनत्व तो आप कह लीजिए, वो ये दिखाता कि यहां ज्यादा लोग रहते हैं, निवास करते हैं। तो एशिया महाद्वीप में खासकर आप पाएंगे कि जो सिंधु गंगा का मैदान है यानी इंडस गैंगेटिक प्लेन है, यहां पर लगभग 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ये डेंसिटी मिलती है, एक एवरेज में लिया गया। दूसरी तरफ आप पाएंगे कि जो लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है वो मंगोलिया, मंगोलियाई क्षेत्र में आप पाएंगे 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है ये डेंसिटी। तो एक जगह 1000 का आंकड़ा पार हो रहा है, एक जगह आप देख रहे हैं कि बहुत विरल है, बहुत गिने चुने लोग निवास करते हैं, बहुत ही आप कहेंगे विषम परिस्थितियां हैं मंगोलियाई मरुस्थलीय भाग में और इसलिए बहुत कम व्यक्ति यहां मिलते हैं। तो एक जगह आबादी ही आबादी एक जगह है ही नहीं है लगभग, और इस कारण से इस विरोधाभास को भी ध्यान में रखकर एशिया को विरोधाभासों का महाद्वीप कहते हैं, कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट। तो ये फैक्ट भी क्लियर होते जा रहे हैं। तो आज आपको मैंने जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन के रूप में एशिया को समझाया, जिसमें कई तथ्य आपके सामने आ गए। उम्मीद करता हूं सारे तथ्य समझ में भी आए होंगे और आप इसे याद भी करें। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पर आ जाते हैं, ग्लोब पर एशिया की लोकेशन देखते हैं। देखिए सबसे पहली चीज कि जब हम ग्लोब की बात करते हैं, यानी कि पृथ्वी का आकार लगभग गोल है, पूरी तरह गोल नहीं है। भौतिक भूगोल पढ़ाते समय मैं आपको स्पष्ट करूंगा कि पृथ्वी के आकार को एक प्रॉपर टर्म यूज किया गया और उसे डिफाइन किया गया। इसके लिए एक प्रॉपर टर्म आता है ज्याड। ज्याड को हिंदी में कई बार जो है भूआभ भी कहते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी के आकार को पूरी तरह हम गोल नहीं मान सकते, ये गोलाकार पिंड के रूप में तो है लेकिन आप देखते हैं कि ये बीच में सेंट्रल पार्ट यानी जो इक्वेटोरियल पार्ट है इसका बल्जी है, फूला हुआ, और जो इसका पोलर एरिया है ध्रुवीय क्षेत्र है वो थोड़ा चपटा है। तो इस तरीके से अगर आप देखें ये एक अलग शेप में दिखाई देता है जिसे हम ज्वाइंट कहते हैं, और पृथ्वी का जो प्रतिरूप माना गया यानी उसका एक मॉडल लिया गया उसी को हम ग्लोब कहते हैं। तो ग्लोब अर्थ का एक मॉडल है जिसके माध्यम से हम पृथ्वी पर वो बहुत सारी चीजों को समझ सकते हैं। ये वही वाली बात है कि एक प्री स्कूल के बच्चे को मान लीजिए टीचर जो है वो बच्चों को पढ़ा रही है कि ट्रांसपोर्टेशन के कौन कौन से मोड होते हैं, बेसिक बातें मान लीजिए बच्चों को बता रही है कि परिवहन के लिए क्या क्या साधन होते हैं, जैसे एरोप्लेन होता है तो एरोप्लेन क्या है। तो अब यह तो नहीं है कि उस बच्चे को लेंगे और कहेंगे चलो आज आपको एरोप्लेन दिखाकर लाते हैं एयरपोर्ट ले जाएंगे, उसको समझाने का तरीका क्या है, एक मॉडल यानी एक टॉय ले आएंगे और दिखा देंगे बच्चों देखो ऐसे एरोप्लेन होता है। वही चीज है कि अगर हमें पृथ्वी को समझना है तो ऐसा नहीं है कि हम एक एक जगह टहल कर ही चीजें समझ सकते, उसका एक मॉडल बना दिया गया और वो मॉडल क्या है, ग्लोब, और ग्लोब के माध्यम से हम पृथ्वी पर बहुत सारे स्थानों की अवस्थिति का निर्धारण करते हैं। तो जब ग्लोब पर हम किसी भी प्लेस की लोकेशन आइडेंटिफाई करते हैं तो इसके लिए हम यहां पर
ध्यान रखिएगा, दो तरह के कोऑर्डिनेट्स इस्तेमाल करते हैं, एक को कहते हैं लैटिट्यूड और एक को कहते हैं लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर। तो एक अक्षांश है और एक देशांतर है, और आपने बेसिक लेवल पर ये चीजें पढ़ी भी होंगी, याद है जहां तक हमें कि आपने एनसीईआरटी की किताबें पढ़ी हैं, स्कूलिंग लेवल पर जो भी आपने पाठ्यक्रम पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि इस तरह से जो वर्टिकल लाइन खींची जाती है ये क्या है ग्लोब पर, इन्हीं को हम कहते हैं देशांतर। ठीक है, लॉन्गिट्यूड नहीं, इन्हीं को हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और इसी तरीके से फिर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ग्लोब पर आप देखते हैं हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन खींची जाती हैं और इन्हीं को हम क्या कहते हैं अक्षांश, लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, ये सब आप जानते हैं, नहीं भी जानते हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी में मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा। इंडियन ज्योग्राफी में, फिजिकल ज्योग्राफी में मैं टॉपिक डिस्कस करता हूं, बच्चों को समझाता हूं। यहां पर एक बहुत ही बेसिक लेवल पे आपको केवल थोड़ा सा बताकर मैं सीधे इस पर आ जाता हूं कि एशिया की जब लोकेशन हम देखेंगे तो ये जानने का प्रयास करेंगे कि एशिया लैटिट्यूडनली कहां लाई करता है और लॉन्गिट्यूडनली कहां लाई करता है। आप सब जानते हैं कि लैटिट्यूडनली अगर देखा जाए अक्षांशीय दृष्टिकोण से तो हमारी पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटा गया, एक को हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध और एक को कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोला। लॉन्गिट्यूडनली भी आप लोग जानते हैं पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटा गया, जो जीरो डिग्री का देशांतर है इसके आधार पर आप देखते हैं कि जीरो से 180 ईस्ट के तरफ को हम कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर और जीरो से 180 जो है, जो कि दोनों के बीच कॉमन है 180 पश्चिम की ओर के जो देशांतर है उस साइड को कहते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो एक पूर्वी गोलार्ध है और एक पश्चिमी गोलार्ध। तो जब हम पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध की बात करते हैं तो वो देशांतरीय दृष्टिकोण से होता है और जब हम उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं तो वो अक्षांशीय दृष्टिकोण से होता है। ये बेसिक बातें आप जानते हैं और इसी कारण से यहां पर अगर आप देखें तो एशिया के लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में भी आपसे प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो उसको समझना। अब कैसे आप समझेंगे, तो आप देखें लिखा है उत्तर से दक्षिण एशिया की मुख्य भूमि का विस्तार। ठीक है, अब यहां पे बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आ गया। क्या टर्म आ गया, क्योंकि यहां पे हम लोग गलती कभी कभी क्या करते हैं, मैं अगर बात करूं यहां लिखा एशिया की मुख्य भूमि, यह टर्म जरूर याद रखिएगा, यानी मेन लैंड ऑफ एशिया। मैं एंटायर एशिया नहीं ले रहा हूं, केवल मेन लैंड की बात कर रहा हूं, क्योंकि किसी भी देश या महाद्वीप कह लीजिए उसमें मुख्य भूभाग के साथ साथ द्वीपीय भाग भी होता है। जैसे भारत की एक मुख्य भूमि है जो कश्मीर से कन्याकुमारी है। जब हम लोग इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करते हैं कश्मीर टू कन्याकुमारी, या फिर हम लोग गुजरात से अरुणाचल प्रदेश इस भूभाग को देखते हैं, इस लैंड पोर्शन को देखते हैं, तो इसे कहा जाता है मेन लैंड ऑफ इंडिया। लेकिन इंडिया की टेरिटरी तो केवल इतनी नहीं, फिर अंडमान निकोबार कहां जाएगा, लक्षद्वीप कहां जाएगा, तो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप भी इंडियन टेरिटरी में है, भारत का ही हिस्सा है, लेकिन अंडमान और लक्षद्वीप आप जानते हैं वो आइलैंड्स हैं, वो द्वीप हैं, वो भारत के मुख्य भूभाग में शामिल नहीं। तो जब हम एंटायर को लेते हैं तो उसमें आइलैंड्स भी इंक्लूड है, लेकिन जब हम मेन लैंड की बात करते हैं तो आइलैंड छोड़ देते हैं। तो यहां पर वही चीज मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं उत्तर से दक्षिण, यानी मैं नॉर्थ से साउथ अगर एशिया के मेन लैंड को देखूं तो आप पाएंगे ये 77 डिग्री 43 मिनट नॉर्थ से शुरू हो रहा, सीधे सीधे आपको दिख रहा होगा एटलस में, अगर सामने एटलस रखकर आप देखेंगे तो यहां पर आप क्या पाएंगे 77 डिग्री 43 मिनट जो नॉर्थ है ये साइबेरिया में पड़ रहा है, साइबेरिया ही वाला भाग। ठीक, तो साइबेरिया से आप एशिया को शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल जहां वो आर्कटिक ओशियन से लगा है। ठीक है, आइसलैंड मत लिखिए ऋतु, उसको आइलैंड लिखा जाता है। ठीक है, आइसलैंड एक अलग चीज हो जाएगी, आइलैंड लिखिएगा, स्पेलिंग होती आई एस से। तो
तो यहां पर मैं ये कह रहा था साइबेरिया शुरू होता है 77 डिग्री 43 मिनट नॉर्थ से शुरू हुआ और फिर इसके बाद 1 डिग्री 16 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में ये एक्सटेंट है। तो ये इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हुआ। ये टर्म याद रखिएगा, द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड ऑफ एशिया। ये प्रश्न आ गया पेपर में, द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड ऑफ एशिया, एशिया की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार। तो आंसर क्या लगा कर आएंगे, अगर आप यहां पर डिग्री मिनट ये सब कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे अक्षांश देशांतर में पूरा नहीं याद रहता है तो आप 77 डिग्री से लेकर 1 डिग्री याद रखिए। इतना जरूर याद रखिए कि 77 डिग्री 43 मिनट नॉर्थ से 1 डिग्री 16 मिनट नॉर्थ के बीच में एशिया फैला, एशिया की मुख्य भूमि। अब इसमें एक लाइन आगे क्या जोड़ी है कि जब हम इंडोनेशिया के विविध द्वीप समूहों को भी इसमें सम्मिलित करते हैं, यानी अब आइलैंड इंक्लूड हो रहा, तो कहां के आइलैंड की बात हो रही है, तो आप देखेंगे इंडोनेशिया, एशिया का मैप खोल कर देखिए, जैसे मैं दिखा देता हूं यहां पर। अब अगर आपके सामने एशिया का मैप आ गया, आपके एटलस में भी होगा, एक बार ध्यान से देखिएगा, तो आप पाएंगे कि एशिया की मुख्य भूमि, मैं क्या कह रहा हूं कि ये रशिया वाला जो पार्ट है ये आप देख रहे हैं एशिया के उत्तर में दिख रहा है, तो ये जो साइबेरियाई पार्ट है यानी कि जो मुख्य रूप से एशिया का जो मॉस्को वाला हिस्सा है तो यूरोप में चला गया, लेकिन ये जो साइबेरियाई रीजन है तो एशिया से ही लगा। तो जब हम इस क्षेत्र को ले लेते हैं तो मैं यही कह रहा था कि यहां आप क्या ध्यान देंगे, 77 डिग्री 43 मिनट नॉर्थ से ये शुरू हो रहा, यानी ये साइबेरियाई भाग की जो हम बात कर रहे हैं 77 डिग्री 43 मिनट नॉर्थ से इसका जो है बॉर्डर शुरू हो रहा है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो अक्षांश भी नॉर्थ आएगा। और नीचे अगर मुख्य भूभाग तक हम चले जाएं तो मुख्य भूभाग का मतलब ये हुआ इंडोनेशिया के आइलैंड को छोड़कर जहां मेनलैंड आता है, तो आप लगभग लगभग ये कह सकते हैं कि मेनलैंड जो है वो 1 डिग्री यानी इक्वेटर से लगभग नॉर्थ तक यानी यहां के आसपास तक लगभग आएगा। ये इसका मुख्य भूभाग का क्षेत्र हो गया। तो जब इस पूरे मुख्य भूभाग को अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये 1 डिग्री 16 मिनट नॉर्थ तक जो है वो फैला हुआ, 1 डिग्री 16 मिनट नॉर्थ। ठीक है, अगर आपको लिखा हुआ नहीं दिख रहा होगा कलर के कारण तो मैं साथ में बोल भी रहा हूं, बाकी आपके बोर्ड पर मैंने पहले लिख दिया 77 डिग्री 43 मिनट नॉर्थ से लेकर 1 डिग्री 16 मिनट नॉर्थ, ये मेन लैंड हो गया एशिया का। ठीक, मैं नॉर्थ साउथ के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं तो इसीलिए पेन ऐसे चला रहा हूं कि नॉर्थ ये हुआ, साउथ टिप ये हुआ। लेकिन जब आप इंडोनेशिया को देखिए, ये भी तो एशिया का पार्ट, और इसके बहुत सारे आइलैंड आप देख रहे हैं यानी जो मेन लैंड से कटे हुए हैं अलग है, तो जब हम इंडोनेशिया के इन आइलैंड्स को भी इंक्लूड कर लेंगे तो इसका एक्सटेंट कहां चला जाएगा, जरा आप ध्यान देखिए। तो ये कह रहा है कि एशिया की जो दक्षिणी सीमा यानी जो एशिया का यहां पर विस्तार है वो बढ़ जाता है, इसकी जो सदर्न बॉर्डर है, जो सदर्न एक्सटेंट है वो कहां तक चला जाता है, तो लिखा है 10 डिग्री 50 मिनट साउथ तक। यानी अब आप नोटिस करिए 10 डिग्री 50 मिनट साउथ का मतलब ये हो गया कि ये पहुंच गया दक्षिणी गोलार्ध की ओर। तो कुल मिलाकर के यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि अगर हम इंडोनेशिया के जो आइलैंड्स हैं जो विषुवत रेखा के दक्षिण में है उनको छोड़ दें तो संपूर्ण एशिया को क्या कह सकते हैं, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो दो चीज क्लियर की आपको, यहां ध्यान दीजिए, लैटिट्यूडनली एशिया इज लाइज एंटायरली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बट एक्सक्लूडिंग द आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया। यानी अगर हम इंडोनेशिया के आइलैंड्स को एक्सक्लूड कर दें, छोड़ दें, तो आप पाएंगे कि यहां पर लैटिट्यूडनली एशिया वो एंटायरली कहां है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ओंकार जी आप पूछ रहे हैं सर बैच फ्री रहेगा या पेड रहेगा, फ्री की चीजें जो है वो बहुत नुकसान करती हैं ओंकार जी, कभी कभी मुफ्त में मिली हुई चीजें वो भविष्य में एक बहुत बड़ा जो है नुकसान पहुंचाती हैं, तो हर चीज को फ्री मत लीजिए। कई बार बच्चों का ये भी तर्क होता है सर हमें सरकार भी तो बहुत कुछ फ्री देती है,
लेकिन बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, सरकार भी कुछ मुफ्त में नहीं देती है। इसके बारे में आप सोचेंगे पता चल जाएगा, सरकार हमसे बहुत कुछ लेती है तब हमें जो है फ्री में देती है, और वो है सबसे बड़ा अमाउंट टैक्स। सरकार के पास इनकम का सबसे बड़ा जरिया टैक्स है, और हर कोई देश का नागरिक टैक्स पे कर रहा है। आप कहेंगे सर हम कहां टैक्स पे करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप इनकम टैक्स ही पे करें, आप बहुत सारे ऐसे टैक्स हैं जो आपको पता ही नहीं चलता आप पे करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे आप मान लिए मार्केट में गए, बुक खरीद कर लाए, तो आपको तो लगा मैंने बुक परचेज की है, लेकिन उसमें सरकार ने आपसे पैसा ले लिया, उसी को हम जीएसटी कहते हैं। तो उस बुक्स को परचेज करना, आपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए बुक्स परचेज की लेकिन सरकार को पैसा दिया है, तो फ्री कुछ नहीं है। तो इसलिए मेरा बैच भी फ्री नहीं है, समझिए। और मैं अगर इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूं तो मुझे भी कहीं ना कहीं आपसे ये सपोर्ट चाहिए कि गुरु दक्षिणा तो कम से कम आप दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लैटिट्यूडनली मैंने कहा एशिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में तब कहा जाएगा जब हम इंडोनेशिया के आइलैंड्स को छोड़ दें, यानी उनके द्वीप समूहों को छोड़ दें। तो यह फाइनल कंक्लूजन जरूर आप लिख लीजिएगा कि अतः इंडोनेशिया के कुछ आइलैंड्स को जो इक्वेटर के साउथ की ओर है उनको छोड़ दें तो लगभग संपूर्ण एशिया उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित। मैंने ग्लोब पर भी आपको समझाने की कोशिश की, 77° 43' नॉर्थ से लेकर आप देख रहे हैं 1° 16' नॉर्थ तक इसकी लोकेशन दिखती है, और यहां पर आप ध्यान रखिएगा ये एशिया का मेन लैंड है, मुख्य भूमि है। और अगर हम इसमें इंडोनेशिया के आइलैंड्स को भी ले लें तो 10° 50' साउथ तक इसकी सीमा चली जाती। तो ये चीजें आप पूरा जो है वो ध्यान रखिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रश्न आपके सामने आ रहा है, वो लिखा है तीन प्रमुख अक्षांश रेखाएं एशिया से होकर गुजरती। ठीक है, तीन प्रमुख अक्षांश रेखाएं एशिया से होकर गुजरती है, थ्री इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड पास थ्रू एशिया। वो कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं? तो जब आप अक्षांश और देशांतर का अध्ययन करते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ते हैं, तो ग्लोब आपको याद होगा, उम्मीद करता हूं कि आपने ये टॉपिक शायद पढ़ा भी होगा, मैं एक इमेज आपके सामने बना दे रहा हूं। ये जो 0° का अक्षांश है पृथ्वी के बिल्कुल जो है मध्य भाग से होकर गुजर रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? इक्वेटर। फिर आप ये भी जानते हैं कि जो 23.5° वाला अक्षांश है नॉर्थ का, इसे क्या कहते हैं? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। और जो 66.5 पर है नॉर्थ में, इसको कहते हैं आर्कटिक सर्कल। ऐसे सदर्न हेमिस्फीयर में भी आप जानते हैं कि जो 23.5° साउथ का लैटिट्यूड है इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। उत्तर की ओर कहते हैं कर्क रेखा, दक्षिण की ओर कहते हैं मकर रेखा, उसी के रिस्पेक्टिवली। और जो 66.5 है साउथ की ओर, इसे कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल। तो ये प्रमुख अक्षांश रेखाएं जो आपको जाननी, कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं? 66.5 नॉर्थ को कहा जाता है आर्कटिक सर्किल, 23.5 इसमें नॉर्थ ध्यान रखिएगा सब नॉर्थ की है, ठीक। तो 66.5 नॉर्थ आर्कटिक सर्किल, 23.5 नॉर्थ जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, और ये हो गई आर्कटिक वृत्त। ऐसे ही अगर आप देखें तो यहां पर आप नोटिस कर सकते हैं कि जो 23.5° का साउथ होगा इसको कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा, और जो 66.5 होगा, ठीक है, इसे कहेंगे अंटार्कटिक सर्कल। तो ये सब आप जानते हैं, अंटार्कटिक सर्कल का मतलब 66.5 और यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का मतलब 23.5, लेकिन साउथ में, तो नॉर्थ साउथ का फर्क क्लियर है। अब बहुत सिंपल तरीके से आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि तीन प्रमुख कौन सी अक्षांश रेखाएं जो एशिया से होकर गुजरती हैं। तो इसमें आप साफ साफ देख पा रहे हैं, अभी मैंने क्या बोला था कि अगर हम इंडोनेशिया के आइलैंड्स को भी इंक्लूड कर लें तो सीमा कहां जा रही? 10° तक, 10° साउथ तक।
यानी ऑब्वियस है कि मकर रेखा और जो अंटार्कटिक सर्कल है ठीक वो दक्षिणी गोलार्ध में जहां पर है वहां से होकर एशिया नहीं गुजर रहा। तो तीन महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं में आप आंसर क्या लगाएंगे कि आर्कटिक सर्कल गुजरता है एशिया से साइबेरियाई रीजन से, क्योंकि आपने देखा नहीं कि इससे भी ऊपर जो है वो एशिया का अक्षांशीय विस्तार। फिर इसी तरीके से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कर्क रेखा वो भी जो है वो एशिया से होकर गुजरता है। हाँ, इसमें रितु जी ने लिखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नहीं रितु जी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एशिया से नहीं गुजरता है, यानी कि जो मकर रेखा वो एशिया से नहीं गुजरती है, ये गलती मत करिए। तीन जो मैं बता रहा हूं आंसर क्या लगाएंगे, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर, यानी मकर रेखा एशिया से नहीं जाती, क्योंकि अभी अभी तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि एशिया की जो दक्षिणतम सीमा अगर हम आइलैंड ले लें इंडोनेशिया के, तब भी आप पाएंगे कि यह 10 डिग्री साउथ से ज्यादा नीचे नहीं जा रहा, जबकि मकर रेखा तो 23.5 डिग्री साउथ पर है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के आप एशिया को देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में ही ज्यादातर फैला है, अगर इंडोनेशिया के आइलैंड को ले ले तो कह सकते इसका विस्तार कुछ सीमा तक दक्षिणी गोलार्ध में। अब इसमें एक बात और जोड़िएगा, कभी कभी आपके पेपर में स्टेटमेंट आते हैं और बड़े इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होते हैं वो। जैसे मैं कुछ प्रश्न देख रहा था तो मैंने वहां पर नोटिस किया कि ये जो है कहीं ना कहीं आपके पेपर में पूछा गया एक स्टेटमेंट आया था कि एशिया महाद्वीप का विस्तार सभी ताप कटिबंधों में मिलता है, स्टेटमेंट है और बताना है सही या गलत है। तो यहां पर लिखा है एशिया दस स्ट्रेच अक्रॉस ऑल द हीट जोन्स ऑफ अर्थ। तो जब आप फिजिकल ज्योग्राफी में खासकर क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हैं जलवायु विज्ञान, तो उसमें आप क्या पाते हैं कि हमारे अर्थ को तीन मेजर हीट जोन में डिवाइड किया गया, तीन प्रमुख ताप कटिबंधों में बांटा गया है। आप शायद नाम जानते भी होंगे, एक को कहते हैं उष्ण कटिबंध, ठीक, और यहां पर जो है उष्ण कटिबंध या जिसको इंग्लिश में आप लिख सकते हैं ट्रॉपिकल जोन। तो एक ट्रॉपिकल जोन है, फिर इसी तरीके से एक जोन है जिसको आप कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध, इंग्लिश में इसे कहते हैं टेम्परेट जोन। तो एक है ट्रॉपिकल जोन, एक है टेम्परेट जोन, यानी एक उष्ण कटिबंध एक शीतोष्ण कटिबंध, और तीसरा जो है उसको कहते हैं शीत कटिबंध यानी फ्रिजिड जोन। तो एक हो गया फ्रिजिड जोन, एक हो गया ट्रॉपिकल जोन, एक हो गया टेम्परेट जोन, और ये कैसे बटा हुआ ये सब आप पढ़ेंगे, लेकिन कम से कम इतना जरूर जानिए कि एशिया महाद्वीप का विस्तार उष्ण कटिबंध में भी है, शीतोष्ण कटिबंध में भी है और शीत कटिबंध में भी है। तीनों कटिबंधों में, तीनों ताप कटिबंधों में इसका विस्तार मिलता है। तो ऐसा स्टेटमेंट आ जाए तो स्टेटमेंट करेक्ट होगा, सही होगा। उम्मीद करता हूं यह भी समझ में आ गया होगा। ये जो थर्मल जोन या हीट जोन है ये कैसे बटा है, कहां से कहां तक है, ये सब मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ाने वाला, लेकिन यहां के लिए आपको ये बातें जाननी। अब इसके बाद यानी तीन प्रमुख अक्षांश कौन से गुजरते हैं, फिर इसके बाद तीनों ताप कटिबंधों में एशिया का विस्तार मिलता है। अब जरा तीसरी बात देखिए कि एशिया के वे देश कौन से हैं जिनसे विषुवत रेखा गुजरती है। तो अगर आप एटलस खोलकर इसको देखेंगे, बहुत अच्छा रहेगा कि आप एटलस पे वर्क जरूर करें, आप एटलस जरूर खोलें। एटलस में आप जैसे ही एशिया का ये मैप खोलेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें इक्वेटर कहां जा रहा है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये है इक्वेटर की, एटलस में अपने आप मार्क करिए। यह पूरा एशिया महाद्वीप का पॉलिटिकल मैप आपके सामने आ गया और इसमें आप देख रहे हैं कि यह इक्वेटर की लाइन मैंने खींच दी है। तो
इक्वेटर की अगर ये लाइन आपको दिख रही है, अब यहां से जरा आप शुरू करें तो आप यहां कुछ कंट्री देख रहे हैं, लेकिन ये तो अफ्रीका महाद्वीप का पार्ट है, इसको छोड़ दें, आगे बढ़ जाए यहां से, तो आप देख रहे हैं कि इंडियन ओशियन में इक्वेटर दिख रहा है। तो मैं कंट्री पूछ रहा, यानी लैंड पार्ट पर आपको चेक करना है। तो जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, यहां नोटिस करिएगा, एक देश आपको दिखेगा और लिखा होगा मालदीव, ज्यादा विजिबल होगा आपको अपने एटलस में। मैं यहां के माध्यम से बता रहा हूं, और इसीलिए कल भी मैंने कहा था एटलस लेकर बच्चों क्लास में जरूर बैठिएगा। तो एटलस में आप यहां नोटिस करिए, मालदीव दिख रहा होगा, और मालदीव एक आइलैंड कंट्री है। अभी हम लोग एशिया के बारे में पढ़ रहे थे, एशिया का सबसे छोटा देश, चाहे एरिया में चाहे पॉपुलेशन में, तो इसमें बहुत सारे हजारों आइलैंड हैं। अब इसके कुछ आइलैंड ऐसे हैं जो सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ भी हैं, जैसे यहां पे एक आध पॉइंट देखिएगा, तो इसका इक्वेटर मालदीप से क्रॉस हो रहा है, मालदीप एक कंट्री है, एशिया में लाई करती है, तो पहला आंसर क्या हो गया, मालदीप। मैंने कहा एशिया के वे देश जहां से होकर इक्वेटर गुजरता, तो मालदीप एक आंसर। फिर आगे बढ़िए जरा, और अब आप देखिए कौन सी कंट्री आपको यहां दिख रही है, इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया के आइलैंड आपको दिख रहे होंगे, जावा, सुमात्रा, ये सब, बोर्नियो। तो जो ये आइलैंड से होकर जा रहा है, यहां न्यू गिनी तक पूरा ये क्षेत्र इंडोनेशिया का फैला है, ये इक्वेटर जा रहा है, यही दो देश है, यानी मालदीप और इंडोनेशिया, ये दो ऐसी कंट्रीज हैं जहां से इक्वेटर गुजर रहा। आगे कहीं भी एशिया के किसी भूभाग से आपको इक्वेटर नहीं दिख रहा। तो जो बात मैंने अभी आपसे शेयर की, अगर यह प्रश्न आ जाए कि कौन सी एशियन कंट्री है जहां इक्वेटर लाई करता है, एशिया के वे कौन से देश हैं जिनसे विषुवत रेखा गुजरती है, तो आंसर आप लोग क्या लगाकर आएंगे, मालदीप और इंडोनेशिया। ये दोनों क्लियर है। हां गौरव जी क्या पूछ रहे हैं, पेड कितना करना पड़ेगा सर? सर मेरा क्वेश्चन का आंसर दे दिए, क्या पूछ रहे हैं गौरव जी? गौरव जी मैं आपका प्रश्न नहीं देख पाया, एक बार जरा फिर से आप अपना प्रश्न टाइप कर दीजिएगा, मैं देख लूं कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो मैं ये कह रहा था कि इस तरीके से मालदीप और इंडोनेशिया ये दो देश है जहां से होकर के ये गुजर रहा। अब एशिया के उन देशों की भी बात कर लें, क्योंकि अभी आपसे क्या कहा था कि यहां पर तीन प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं जो एशिया से होकर गुजरती हैं। तो अगर आपके प्रश्न पत्र में आ गया कि जो आर्कटिक सर्किल है एशिया के किस क्षेत्र से गुजरता, तो आप तुरंत आंसर दे देंगे साइबेरिया। इक्वेटर पूछ लिया तो भी अब आंसर दे देंगे। अब जरा कर्क रेखा देख लेते हैं। ठीक है, तो कर्क रेखा की जब हम बात करेंगे, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये तो क्लियर ही है कि ये 23.5 डिग्री की बात हो रही है नॉर्थ की। और कुछ नहीं जानते हैं तो इतना तो आप जानते हो, भारत से तो गुजरता ही है। ठीक, गौरव जी अभी आपका प्रश्न नहीं आया, एक्चुअली आपने शायद पहले टाइप किया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, एक बार फिर से आप अपना प्रश्न जो है क्लियर कर दें तो मैं जरूर आंसर दूंगा। हां चित्रंजन जी आप क्या पूछ रहे हैं, अच्छा फीस कितनी है इसके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो ये तो मैंने अपना इसके लिए एक वीडियो, प्रमोशन वीडियो जारी किया था, उसमें सारी चीजें बच्चों क्लियर कर दी हैं, आप उसे देख ले। वैसे टोटल जो जीएस का पूरा कंप्लीट बैच है वो केवल 6,000 रुपए में, और उसमें भी आपको एक ऑफर दिया था अपने पुराने बच्चों के लिए और नए बच्चों के लिए, तो आप देख सकते हैं, उस पर मैंने एक वीडियो जारी किया। ठीक, हाँ बिल्कुल भारतीय सर, अब ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एशिया के वे देश जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम भी आप एटलस से आइडेंटिफाई करें, ज्यादा अच्छा रहेगा बच्चों। एटलस पर वर्क करना आपके लिए बहुत जरूरी है, और मैं बार बार बोल रहा हूं कि रटने से ज्यादा है आप खुद से वर्क करें। ठीक है, गौरव जी क्लियर किया, कंप्लीट जो फीस है जीएस की वो 6,000 है, बाकी मॉड्यूल वाइज आप बैच की फीस भी वहां देख सकते हैं। जैसे किसी को केवल ज्योग्राफी ही लग रहा है कि नहीं सर ये मजा आ रहा है पढ़ के, मुझे केवल इतना ही पढ़ना है, तो उसके लिए फीस केवल 1500 है। तो आप मॉड्यूल वाइज भी बैच ले सकते हैं, कंप्लीट बैच भी ले सकते हैं। ठीक, चलिए, तो एशिया के उन देशों की मैं बात कर रहा था जहां से कर्क रेखा गुजरती है, इसमें एक देश का नाम आ गया सऊदी अरब, दूसरा हो गया यूएई, तीसरा हो गया ओमान, चौथा हो गया भारत, पांचवां बांग्लादेश, छठा म्यांमार, सातवां चाइना, आठवां वियतनाम, और फिर नौवां ताइवान। यानी
कुल मिलाकर के आपको यहां पर इन 9 देशों के बारे में ध्यान रखना है। हालांकि ताइवान के बारे में आगे बात करूंगा, इसे इंडिपेंडेंसीज में क्रिएट किया जाता है। तो सऊदी अरब, यूएई, ओमान, ये तीनों गल्फ कंट्रीज हैं, यानी अरेबियन पेनिनसुला की तरफ आप देखिएगा। फिर इसके बाद भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, ये बिल्कुल आपको एक सीरीज में दिखेगा। फिर आगे चाइना, वियतनाम और ताइवान, ये इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहां से होकर के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजर रहा है, यानी कर्क रेखा गुजर रही है। आप बेहतर है कि एटलस पे इस पे भी वर्क कर ले। जैसे आप ये जो डॉटेड लाइन इसमें देखेंगे, एक बार फिर से मैं आपके सामने यहां रख रहा हूं, ये जो डॉटेड लाइन जा रही है एटलस में, आप खोलिए और देखिए, ये डॉटेड लाइन ही आप पाएंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश, ये कर्क रेखा जा रही है। अब इधर से शुरू करें, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं कि स्वेज की खाड़ी है, यानी गल्फ ऑफ स्वेज है, अगर हम उसको छोड़ दें, ठीक, तो यहां पर क्योंकि ये तो एक ओशियन पार्ट हो गया, यानी सी रीजन हो गया, तो यहां सऊदी अरेबिया से आप शुरुआत करें, तो सऊदी अरेबिया से होकर के यहां फिर एक कंट्री देख रहे हैं, फिर यहां इस तरह से मैंने जो है वो आपके सामने सारे देशों के नाम लिख दिए हैं। और कुल मिलाकर के आप यहां पर ताइवान तक, यानी ये देख रहे हैं क्षेत्र ताइवान का दिख रहा, यहां तक आप चले आइए, यहां से लेकर के सऊदी अरेबिया से, तो कुल 9 भूभाग है जहां से होकर के जा रहा। खासकर ये वियतनाम याद रखिएगा, बहुत थोड़ा सा इसको टच करते हुए चाइना से कर्क रेखा गुजर रही। तो एशिया के 4 देशों का नाम ऑप्शन में दे देंगे और पूछेंगे निम्नलिखित में से कौन सा देश है जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो इसका उत्तर देने के लिए बहुत जरूरी है कि आप जाने कर्क रेखा एशिया के किन देशों से जा रही। उम्मीद करता हूं एटलस पे आपने वर्क कर लिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। अब फिर आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद आर्कटिक वृत्त के बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको क्लियर ही है कि आर्कटिक वृत्त जो है वो 66.5 डिग्री नॉर्थ को कहा जाता है, इसका मतलब साइबेरियाई भाग से गुजरता। तो तीनों प्रमुख अक्षांश रेखाएं एशिया से गुजरती है और एशिया के किन किन देशों से होकर गुजरती है ये मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद अब थोड़ा सा देशांतरीय दृष्टिकोण से भी हम लोग कुछ इसमें बात कर लें। जब हम लोग देशांतरीय दृष्टि से इस महाद्वीप को देखते हैं तो क्या पाते हैं कि ये मेडिटेरेनियन सी से, यानी कि भूमध्य सागर के तट के पास से लेकर शुरू होता, यहां पर एक कंट्री आपको दिखेगी टर्की, मेडिटेरेनियन सी से लगी हुई टर्की में आप देखिएगा कि जो बिल्कुल सी शोर से लगा हुआ है एक केप है। यहां पर केप का मतलब अंतरीप, अंतरीप एक ऐसा लैंड पार्ट होता है जो बिल्कुल ओशियन या सी को टच कर रहा होता, तो उसका नाम है बाबा अंतरीप, यानी केप ऑफ बाबा, ये टर्की का अंतरीप है। और ये अंतरीप बिल्कुल भूमध्य सागरीय तट के पास लगा हुआ उससे स्थित है। यहां से अगर हम यहां एशिया के भूभाग को शुरू करें तो आप पाएंगे कि ये 26 डिग्री 4 मिनट ईस्ट से शुरू हो जाता। हां प्रशांत जी क्या पूछ रहे हैं, वीडियो की क्वालिटी कम नहीं हो रही? प्रशांत जी इसके बारे में जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया उस पर एक बार आप बात कर लीजिएगा, लर्निंग ऐप पर ज्यादा नेट लग रहा है। अच्छा, तो उसके रिगार्डिंग एक बार आप टेक्निकल सपोर्ट टीम से बात कर लीजिए कॉन्टेक्ट नंबर पर, वो आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट कर देंगे, क्योंकि इस विषय में मेरी जानकारी कम है, तो मैं आपको वही जानकारी दूंगा जिसमें मैं एक्सपर्ट हूं, अनावश्यक मैं जो है वो ऐसी कोई चीज नहीं बताना चाहता जिससे आपका नुकसान हो, पता चले वीडियो क्वालिटी घटाने के लिए मैं कुछ बता दूं पूरी वीडियो क्वालिटी खराब हो जाए, तो अच्छा रहेगा कि आप टेक्निकल सपोर्ट टीम का जो कॉन्टेक्ट नंबर उस पर होगा, भारतीय लर्निंग ऐप पर आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा, उस पर आप बात कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि जो टर्की का केप ऑफ बाबा है, बाबा अंतरीप है, यहां 26 डिग्री 4 मिनट ईस्ट से शुरू होता है। और फिर आप ग्लोब को यहां पर एक इमेज के रूप में ध्यान रखिएगा कि ये जो 0 डिग्री है इसके इधर जब हम बढ़ते हैं तो ये होता ईस्टर्न हेमिस्फेयर, यानी ये पूरा पूर्वी गोलार्ध है, और जब इधर की ओर बढ़ते हैं तो वेस्टर्न हेमिस्फेयर। वेस्टर्न हेमिस्फेयर की तरफ जितने भी देशांतर पड़ेंगे उनको ध्यान रखिए पश्चिमी देशांतर कहा जाएगा,
यानी वेस्ट लॉन्गिट्यूड कहेंगे, और जो ईस्ट की तरफ पढ़ेंगे वो ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और आगे आगे जब जीरो से आप आगे बढ़ेंगे तो एक जगह ऐसी आएगी जहां पर वेस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ से आप आकर कॉमन हो जाए, मतलब ऐसे समझिए ये है जीरो डिग्री। यहां से मैंने ईस्ट की तरफ बढ़ना की शुरू किया और कहां आकर खत्म किया, 180 डिग्री पर। फिर यानी ये पूरा पोर्शन ईस्टर्न हेमिस्फीयर का हो गया। मैं जीरो डिग्री से इधर के डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हुआ, कहां आकर खत्म किया, 180 पर। ये हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी जीरो से भी 180 पर जा सकते हैं और फिर इसके साथ साथ जो जीरो से इधर ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी 180 पर जा सकते। दोनों हेमिस्फीयर में आप जब चलेंगे, क्योंकि पृथ्वी गोल है, तो जब आप जीरो के पीछे ठीक पहुंचेंगे 180 पर आप होंगे। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर मान लीजिए आप यहां से आगे बढ़ गए, आप गोल सतह पर चल रहे हैं, तो 180 को आपने पार कर लिया, तो जैसे आप पार करेंगे इसका लाभ इधर की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी गोल है तो बात तो वही हुई, फिर इधर आप आ रहे हैं, तो इधर जो देशांतर पड़ेगा वो ध्यान रखिएगा वेस्ट लॉन्गिट्यूड होगा। तो एशिया का विस्तार जो है वो आप देख रहे हैं 26 डिग्री 4 मिनट ईस्ट से शुरू होने, लगभग यहां के आसपास 26 डिग्री 4 मिनट ईस्ट से स्टार्ट हुआ और ये 180 को पार करके इधर तक फैला हुआ लगभग, क्योंकि रूस का कुछ हिस्सा देखेंगे इधर की ओर आ जाता है, तो इसीलिए लिखा 169 डिग्री 40 मिनट पश्चिम तक, यानी यहां पर आकर हम खत्म करें तो लगभग 169 डिग्री 40 मिनट पश्चिम देशांतर पर आकर एशिया समाप्त होता। इस तरह से एशिया का फैलाव जो है वो लगभग इस तरह से देशांतरीय दृष्टिकोण से मिलेगा, जैसे आप मैप में देख सकते हैं, एक बार फिर से आप ध्यान दें तो आप देख रहे हैं एशिया जो है वो लगभग ये टर्की से यहां से शुरू हो रहा है, ये टर्की का क्षेत्र है, ठीक। अब टर्की से होते हुए आप पाएंगे कि ये 180 डिग्री का जो देशांतर है इसको पार करके जो है, सॉरी यहां जो ये पार्ट आप देख रहे हैं इसमें मैप थोड़ा सा जो है वो कट रहा है, नहीं तो ये जो ऊपर का पार्ट आप रशिया का देखेंगे ये तो जैसे ही यहां से आप क्रॉस करेंगे तो आप पाएंगे कि ये थोड़ा सा इस तरह से 180 के इधर भी फैला हुआ। तो इसी बात को ध्यान में रखकर मैं ये कह रहा हूं कि कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो एशिया महाद्वीप देशांतरीय दृष्टि से वो इस डिग्री से इस डिग्री तक फैला हुआ है, और पश्चिमी देशांतर इसका पूर्वी सिरा, यानी जो 169 ये 40 की मैं बात कर रहा हूं पश्चिम में, ये इसका बिल्कुल ईस्टर्न एक्सट्रीम है, यहीं पर आकर ये समाप्त होता है, और जो बेरिंग जल संधि को लगभग छोड़ते हुए रूस के डेजेनवाय अंतरीप तक फैला हुआ, यानी इसका जो बिल्कुल आप सिरा पाएंगे वो रशिया का एक पार्ट है डेजेनवाय के, वहां तक इसका विस्तार मिलेगा। तो देशांतरीय दृष्टिकोण से भी आप एटलस पर एक बार इसे देख ले, बहुत अच्छे से आपको यह चीज समझ में आ जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं इस पर, तो कुल मिलाकर के यहां पर एक चीज आपको स्पष्ट कर दी मैंने कि जो यहां विस्तार मिलेगा आपको एशिया महाद्वीप का वो कुछ इस रूप में मिलेगा, जिससे इसका विस्तार 180 डिग्री देशांतर को भी पार करेगा। तो इसी बारे में लिखा कि जब 180 डिग्री देशांतर रूस के सुदूर पूर्व से होकर गुजरता है, यानी जो आप मैप में देखें तो आप पाएंगे कि ग्लोब पर अगर हम 180 को ले लें तो रशिया वाला ये पार्ट 180 को पार कर रहा है, ठीक 180 को छोड़ते हुए। यही कारण भी है कि 180 डिग्री पर जो इंटरनेशनल डेडलाइन बनती है वो सीधी नहीं, इंटरनेशनल डेडलाइन पढ़ाते समय आपको बताऊंगा कि उसे क्यों मोड़ा गया, लेकिन थोड़ा बहुत यहां पर इसी के बारे में आपको जानकारी दी गई। तो अगर हम रशिया के इस पार्ट को छोड़ दें तो देशांतरीय दृष्टिकोण से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो एशिया महाद्वीप है उसका अधिकांश भाग जो है वो किस महाद्वीप में, पूर्वी गोलार्ध में। भाई कुल मिलाकर के आपको समझना यही है कि अगर एशिया जीरो डिग्री से ईस्ट की ओर फैला और 180 तक चले जाए, 180 को पार करके रशिया का कुछ पार्ट है जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, उसे हम छोड़ दें तो हम कह सकते हैं लगभग एंटायरली ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, पूर्वी गोलार्ध में। वहीं दूसरी ओर रूस का एक छोटा सा हिस्सा वो पश्चिमी गोलार्ध में पड़ता है। मैंने कहा नहीं, रशिया का कुछ पार्ट है
जो आप देखें बिल्कुल अलास्का के बगल में, हालांकि अलास्का का भूभाग भी जो है वो रूस से ही अमेरिका ने ले लिया, तो जो अलास्का के बगल का बेरिंग जल संधि, बेरिंग सागर के बगल, देखिए एटलस में ये रशिया का पार्ट, ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर में पड़ता, अगर इसे हम छोड़ दें तो हम कह सकते हैं कि रूस जो है देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में। तो ये टर्म याद रखिएगा कि जो एशिया महाद्वीप है अक्षांशीय दृष्टि से यानी कि लैटिट्यूडनली वो लगभग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, और देशांतरीय दृष्टि से लॉन्गिट्यूडनली लगभग पूरी तरह पूर्वी गोलार्ध में। जब दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे अक्षांशीय दृष्टि से तो इंडोनेशिया के आइलैंड्स इंक्लूड किए जाएंगे, और जब हम यहां पर वेस्टर्न हेमिस्फेयर की बात करेंगे यानी लॉन्गिट्यूडनली, तब यहां पर रूस का जो है कुछ पश्चिमी हिस्सा शामिल किया, सॉरी पूर्व का जो रूस का इलाका है वो पश्चिमी गोलार्ध में शामिल किया जाएगा। तो इस तरह से अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। फिर जब आप इंटरनेशनल डेडलाइन पढ़ेंगे तो इसमें आप देखेंगे डे का डिफरेंस कैसे आता है, उसी से बचने के लिए आप पाएंगे कि इंटरनेशनल डेडलाइन को बेरिंग जल संधि के पास मोड़ा गया है। तो इस तरह से जो बातें मैंने आपको समझाई वो था लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ एशिया, और इसी को एक डायग्राम के माध्यम से भी आपको मैं समझाने का फिर से प्रयास कर रहा हूं, जिसको आप डायग्राम के रूप में देख लें। यहां पर ग्लोब की एक इमेज बनाई गई है जिसमें लैटिट्यूडनल पोजीशन लिखी है इस तरह से, मुख्य भूमि उत्तरी गोलार्ध में आपको मिलेगी लेकिन 10 डिग्री 50 मिनट साउथ तक इसका बॉर्डर जा रहा है, जिसमें इक्वेटर के नीचे आप देख रहे हैं इंडोनेशिया फैला हुआ। ऐसे ही लॉन्गिट्यूडनली आप देखें तो 26 डिग्री 4 मिनट ईस्ट से लेकर एशिया, ध्यान रखिएगा फैला इधर है, लेकिन जैसे ही 180 को हम क्रॉस करेंगे इसका बॉर्डर 169.40 मिनट वेस्ट तक मिलता है, यहां तक ये आ जाएगा। इंटरनेशनल डेडलाइन को पार करके लगभग यहां तक इसका विस्तार मिलेगा। तो इस तरह से एशिया का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भी वो मैंने आपको उम्मीद करता हूं क्लियर कर दिया है। तो बच्चों काफी समय हो चुका है, आपने लगभग 2 घंटे टाइम दे दिया, हालांकि आज मैं प्लान करके आया था कि आपको इससे आगे भी पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं एशिया के राजनीतिक प्रदेशों के बारे में भी बात करने वाला था, लेकिन चूंकि समय समाप्त हो चुका है तो हम लोग कल की क्लास जो शुरू करेंगे इसको रिकैप करते हुए इसमें कुछ बातें और मैं जोड़ूंगा भी, और फिर एशिया के राजनीतिक प्रदेशों का अध्ययन करें। तो कल हम लोग एशिया के राजनीतिक और भौतिक प्रदेशों का अध्ययन करेंगे, और इस तरह से एशिया महाद्वीप पर इसी विस्तार के साथ मैं चीजें पढ़ाऊंगा। कल आपकी डेमो क्लास की लास्ट क्लास होगी, और इसके बाद फिर ये जो क्लासेस हैं वो आपको ऐप पर मिलेंगी। तो जिन बच्चों को भी ज्योग्राफी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो, उनको लग रहा हो कि नहीं सर समझ में आ रहा और इसी अप्रोच में हमें तैयार करना है, तो मैं पूरी ज्योग्राफी आपको इसी तरह से विस्तार से पढ़ाऊंगा, और अगले 6 महीने तक आप जीएस का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव बैच मेरे साथ इस तरह से तैयार करेंगे। इसके साथ साथ यहां पर एक दूसरी बात बता दूं कि जीएस के नए बैचेस पैरेलल चलेंगे, जैसे अभी आने वाले मंगलवार से साइंस वाले सर बायोलॉजी सेक्शन से जीएस का नया बैच शुरू करने जा रहे हैं, तो जो बच्चे पैरेलल बैच ज्वाइन कर लेंगे वो आगामी 3 महीने में ही पूरा जीएस कंप्लीट कर सके। अंतर सिर्फ इतना होगा कि आपको 2 घंटे मेरी भी क्लास लेनी होगी, और फिर इसका लाइव बैच उनका 2 घंटे का अलग टाइमिंग पर आपको मिलेगा, 2 घंटे क्लास वो भी लेनी होगी। तो अगर आप यहां पर जो है वो 4 घंटे की क्लास लेंगे तो 3 महीने में पूरा जीएस कंप्लीट कर लेंगे, केवल 2 घंटे की क्लास लेकर चलेंगे तो आप जो है वो यहां पर 6 महीने में जीएस का बैच कंप्लीट कर लें। तो कल फिर हम लोग इसी टॉपिक से आगे बढ़ेंगे। आज के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी शुभकामनाएं।